तबरिम्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम एक नए खिलखिलाते पॉजिटिव वीक में आपको वेलकम करना चाहती हूँ आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा खुशगवार गुज़रा होगा आपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वक्त भी गुज़ारा होगा और कुछ रमजानुल मुबारक की तैयारियां भी की होंगी क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वीकेंड गुज़रा है इस पर बहुत से लोग जो हैं वो शामी कबाब बना रहे थे रोल्स बना रहे थे समोसे बना रहे थे और उनको फ्रीज़ कर रहे थे क्योंकि आपको पता है रमज़ान मुबारक में वैसे ही इतनी मसरूफ़ियात होती हैं कि अगर प्रॉपर तैयारी के साथ स्टार्ट लें तो बहुत अच्छी बात होती है कुछ ही दिन में मुबारक की आमद आमद है और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और इन आप जब हमारी रमज़ान की ट्रांसमिशन भी देखेंगे तो उसको बहुत इन्जॉय करेंगे सीखने का भी मौका मिलेगा और उसके साथ साथ आपको आ, कुछ हद हाँ तक एंटरटेनमेंट का भी मौका मिलेगा लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी गलतियों की मेकिंग मिस्टेक्स जब भी हम गलती करने की या गलती होने की बात करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और कहते हैं कि यार ये इंसान को ग़लती नहीं करनी चाहिए बच्चे भी अगर कोई ग़लती करते हैं तो हम उनको इतना डांट देते हैं इतना डांट जा देते हैं कि बाकायदा बच्चे सहम जाते हैं मेरी नज़र में और एक्चुअली एक्सपर्ट्स की नज़र में भी ग़लती करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहली बात तो ये कि जब इंसान कोई गलती करता है तो फिर उसको उससे सीखने का मौका मिलता है प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान वही गलती बार बार रिपीट करता है और उससे सीखता नहीं है सो so, गलती करना और उससे सीखना हमारी ज़िंदगी के लर्निंग एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बनती है और हमारे लिए वो एक बेनिफिट बेनिफिशियल चीज़ होती है दूसरी बात जब तक हम किसी चीज़ में फ़ेल नहीं करते या किसी चीज़ में हारते नहीं हैं तो तब तक हम जीत को प्रॉपर तरीके से वैल्यू नहीं कर पाते जो बच्चा हमेशा नंबर वन आता है क्लास में या नंबर टू या नंबर थ्री फॉर टॉप थ्री में आता है उसको कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि उस पोजीशन की वैल्यू क्या है जब तक वो बच्चा एट सम पॉइंट पोजीशन होल्डर नहीं होगा सो so, अपनी ग़लतियों से सीखना और ज़िंदगी में फ़ेल करके फिर कदर सीखना जीतने की ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आई थिंक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी कोई गलती नहीं की हो जिसने कोई मिस्टेक ना की हो इंसान तो गलतियों का पुतला है लेकिन ग़लती करने के बाद हमारा रद्दमल क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर हमारी गलती की वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है किसी को दुख पहुंचा है तो सबसे इम्पॉटेंट चीज़ तो ये है कि हम माजरत करें माफ़ी मांगें और एक्नॉलेज करें कि हमसे मिस्टेक हो गई दूसरा स्टेप जो गलती की उसको एनालाइज़ करें कि ये गलती जो हुई ये क्यों हुई इसमें ऐसी क्या चीज़ें थी जो मैंने की जिनको मैं चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ फिर उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करना अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ़ लेके जाना और तीसरा सबसे अहम हिस्सा इस प्रोसेस का कि फिर वो गलती फिर से रिपीट नहीं करनी ग़लतियाँ तो ज़िंदगी में होंगी लेकिन बार बार वही ग़लती करें ये फिर बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में चला जाता है वो अंग्रेज़ी के एक है ना फूल मी वंस शेम ऑन यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी यानी कि एक दफ़ा मैं गलती करूँ और अगर किसी ने मुझे गलत राह पे गुमराह किया हो तो उसकी ग़लती है लेकिन अगर वही ग़लती मैं फिर से करता हूं तो फिर उसमें किसी और की जो है वो ब्लेम नहीं पड़ता वो फिर हंड्रेड परसेंट हमारी अपनी ही जिम्मे पड़ता है यानी कि शेम ऑन मी सो so, अपने आप को सबसे पहले तो इस चीज़ की तरफ मतलब इस बात की तरफ कन्विंस करें कि गलतियाँ हो जाती हैं डजन मैटर एज लॉन्ग एज़ कोई इतनी बड़ी गलती ना हो जिससे किसी को नुकसान पड़े या किसी के लिए जानलेवा हो या उस नेगेटिविटी के ज़ुमरे में जाए लेकिन छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं कभी कभी बच्चे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स के दौरान नहीं तो दी एग्ज़ाम्स के ऊपर रिजल्ट ठीक नहीं आता बच्चे पे बच्चे भी अपसेट पेरेंट्स भी अपसेट इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं लेकिन अगर तो एक दफ़ा हो तो समझ आती है लेकिन बार बार हो तो फिर हमारे एज पेरेंट्स क्या फॉल्ट्स हैं इस मामले में बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं इन चीज़ों को एनालाइज करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जो ज़िंदगी मुख्तर सी है गलतियाँ होती रहेंगी उन गलतियों से सीख के अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग और जब हम अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं अपनी असलाह करते रहते हैं एज ह्यूमन बीइंग तो उसका फ़ायदा ही होता है नुकसान नहीं सो so, मिस्टेक से ग्रो करना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना देखिए ये सब चीज़ें जो हैं एक इंसान की पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा बन जाती हैं मैं हज़ार दफ़ा चीज़ों में फ़ेल हुई लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उन्हीं बार बार फेलियर्स के बाद कामयाब हुई तो फिर मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी खुशी का क्या अमल अमल क्या आलम था और अब बात करते हैं अगर कामयाबी की तो आप टामस एडिसन को देखें टामस एडिसन ने इजाद किया बल्ब ठीक है उसने पता नहीं कितनी दफ़ा इसको ईजाद करने की कोशिश की लोग उसको पागल बुलाते थे उसको हज़ार बातें करते थे उसको धुतकारते थे लेकिन वो बंदा लगा रहा और एफ़र्ट करता रहा करता रहा करता रहा अनटिल एक दिन उसने बल्ब को ईजाद कर दिया अब आप सोचें कि हम अपनी ज़िंदगी इमेजिन कर सकते हैं लाइट बल्ब के बगैर हमारे घरों का हमारी जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है उसको ईजाद किया टॉमस एडिसन ने जो बड़ी दफ़ा फ़ेल हुआ और फिर फाइनली कामयाब हो गया इसी तरह अगर आप आर्ट वर्कस को देखें बहुत से ऐसे आर्ट वर्कस क्रिएट हुए जो एक्चुअली मिस्टेक थी लेकिन वो मिस्टेक जो है वो इतनी खूबसूरत निकल आई कि वो मिस्टेक कम और सक्सेस स्टोरी ज़्यादा बन गई बहुत सी चीज़ें ऊँच नीच की होती हैं लाइफ में व्यूअर्स इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ अपनी उन मिस्टेक्स को लेकर जाना ये इंसान की असल कामयाबी है अच्छा आज के दिन एक बड़ा स्पेशल डे भी मनाया जा रहा है जिसपे हम आगे जाके बात करेंगे बल्कि ब्रेक के बाद बात करेंगे वो है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे बी प्राउड ऑफ योर माउथ यानी कि हम डेंटल हाइजीन अपने मुँह के अंदर जो दांत हैं जबान हैं और हमारे गम्स हैं उससे रिलेटेड आज बात करेंगे तो उससे भी रिलेटेड आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे जो लोग अपने दांतों के मसाइल से बहुत तंग हैं जिनको समझ नहीं आती कि बार बार उनके दांतों में कीड़े क्यों लग जाते हैं या ठंडा गर्म बहुत महसूस होता है या खुदा न खास्ता औरल कैंसर में मुबतला हैं तो उनके लिए आज एक बहुत ही परफेक्ट किस्म का एपिसोड हम करने जा रहे हैं जो हमारा सेगमेंट होगा उस पर हम बात करेंगे औरल हाइजीन की वर्ल्ड औरल हेल्थ डे बी प्राउड ऑफ योर माउथ थीम है बेसिकली दांतों को साफ़ रखना अपने रेगुलर चेकअप्स कराना ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे अगर आपने भी हमारे शो का हिस्सा बनना है अपनी फीडबैक शेयर करनी है या कोई सवाल पूछना है हमारे किसी भी एक्सपर्ट से तो ज़ीरो फोर टू नाइन नाइन टू जीरो जीरो सिक्स फोर एट पर आप कॉल कर सकते हैं एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है अच्छा जहाँ पर हम अपनी औरल हाइजीन की बात करें कि वहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर आज हम डिस्कशन करेंगे शो के सेकेंड हाफ के अंदर आपको पहले से इसलिए डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि अगर आप किसी को जानते हैं जो इस प्रॉब्लम में मुबतला है जो अपसेट हैं या कंसर्नड हैं तो आज हम उनको गाइडेंस देंगे जो लोग इनफर्टिलिटी से तंग हैं या जिनकी लाइफ में मतलब तो जिनको डायग्नोज किया गया है कि भाई आप इनफर्टाइल हैं आप आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकते बांझपन भी जिसको हम कहते हैं तो अगर बांझपन का कोई मसला आप या आपके कोई जानने वाला या फैमिली का कोई मैंबर फेस कर रहा है तो आज के शो में हम बात करेंगे माहिर नफ्सियात से भी एंड ऑफ कोर्स आई वी एफ स्पेशलिस्ट से जो हमें गाइड करेंगे कि अगर कोई इंसान बांझपन का शिकार है तो उसका इलाज क्या है और अगर इलाज नहीं भी हो पाता तो फिर ऑप्शन एंड सोल्यूशन क्या हैं आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ हमारा वेट कर हैं वेलकम कैसे मैं बिल्कुल ठीक आज तो बायदा अरेबियन नाइट्स वाला हम स्टाइल बना के आए है? हैं कोशिश सितारों वाला साफ और वो वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस अच्छा फ्योर से एक ये वाली भी जो सोच है ना हमारे यहाँ के अगर बाल बंद हैं या अगर सर कवर कर रहे हैं तो आप

बारबेक्यू सैंडविच के लिए चाहिए मुर्गी का गोश्त आधा किलो नमक हंसपाइका सुरख मिर्च एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच जीरा पाउडर एक चाय का चम्मच मोज़रेला चीज़ एक कप सोया सॉस सिरका एक एक चाय का चम्मच बारबेक्यू सॉस चार खाने का चम्मच शिमला मिर्च एक कप प्याज एक कप चिली गार्लिक सॉस आधा कप मायोनीस तीन खाने का चम्मच चबर रोटी दस से बारह स्लाइस हमने बाबी क्यू जो सॉस है चिकन को पहले सबसे पहले हमने सोटे करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ले, डाल ले डालकर सोटे करना है उसके बाद हमने बॉबी क्यू सॉस सोया सॉस विनीगर मायोनीज और जितनी भी सीजनिंग है वो डालकर उसको अच्छे से कुक कर लेना है अभी लास्ट में हमने अपनी मेयोनीज भी डालनी है थोड़ी सी, सी बिल्कुल मायोनीज हम ऐड करेंगे आ, जो हमारी चॉप वेजिज़ है अनियन और कैप्सिकम इसको एंड पे डालकर हमने उसको मिक्स कर लेना है एंड पे और डालेंगे और ऑप्शनल है आप घर में भी बना सकते हैं जैसे मैंने अभी बना के रखी है ये पनीनी सैंडविच और आप यहाँ तो स्लाइस ले लें नॉर्मल उसको आपने सॉस लगानी है कैचअप और मायोनीस और उसके बाद हमने जो फिलिंग बनाई है वो लगानी है उसके बाद चीज़ रखनी है और उसको हमने ग्रेल कर देना अमेजिंग ओके नेक्स्टी पिज़्ज़ा स्टिक्स चाहिए हमें मैं ज़रा ये देखना चाह रही हूँ तुमने ये ये क्या है कहानी इस तरह करके लगानी है यस yes, ये पास्ता की भी ऑप्शन है और फ्राइज की भी ऑप्शन अच्छा कि दोनों को यूज कर सकते हैं दोनों भी दोनों उतनी ही क्रिस्पी हो जाते yes. हैं राइट ओके सो इसकी रेसिपी पिज़्ज़ा स्ट्रिक्स के लिए चाहिए हमें पनीनी पास्ता एक कप मसरेला चीज़ आधा कप शिमला मिर्च आधा कप और एक खाने का चम्मच दो टमाटर आधा आधा कप हमने पास्ता और फ्राइज को बॉयल कर लेना हाफ टर्न कर लेना उसके बाद हमने उसमें पास्ता सॉस लगानी है उसके बाद हमने उसको मसरेला चीज़ ऑन टॉप शिमला मिर्च और टमाटर लगा के और लगा के उसको हम बेक कर देंगे फॉर ट्वेल्व मिनट्स के लिए बिल्कुल ठीक है और दैन हम आते हैं रशियन सैलेड पे उसके लिए चाहिए हमें मायोनीस क्रीम आधा आधा कप नमक हंसपे जायका काली मिर्च आधा कप सेब मटर एक एक कप आलू का और अनार एक कप फ्रूट कॉकटेल तेल एक कप और अगर पास्ता भी उसमें डालना चाहे तो ज्यादा डाल ग डाली नहीं तो अच्छा किया ना बिकॉज बात यह कि कभी कभी लोग जब सैलड खा रहे होते हैं तो उनको उससे पेट नहीं भरता तो अगर पास्ता साथ डाल दें तो बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन बन जाता है सारी चीज़ों को बस हमने कट करके मिक्स कर देना है और आप ज़्यादा मजे को बॉईल कर लें पहले से हाँ और मैं इसमें एक और एडिशन करूँगी इसमें थोड़ी सी सीजनिंग भी ऐड करूँगी कैचअप और चिली गार्लिक सॉस उससे जरा पिज्जा हट का टेस्ट आता मतलब जो रेस्टोरेंट्स में मिलता yes. है वो वाला फ्लेवर आ जाता है और ऑफ अफकोर्स वो जो होता है ना थाउजेंड आइलैंड टाइप फ्लेवर आ जाता है विच इज़ क्वाइट नाइस बट आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से सर्व करना चाहते हैं ब्रेड को भी आप ना कट करके उसको थोड़ा सा क्रिस्पी करके वो भी ऑन टॉप ऐड कर सकते हैं प्रूटॉन्स ना बिल्कुल yeah. सही चले जी आज हमने सारी अपनी एक्सपेरिमेंट्स इसी शो के अंदर करनी है और बना भी तीन तीन चीज़ें रही है तो पुत्र तुम्हें शुरू हो जाओ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी डेंटल हाइजीन की यानी कि अपनी औरल हाइजीन की बात करेंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स जैसे कि आपसे वादा किया था अब हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 20 मार्च को ओरल वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है और इस साल की थीम है बी प्राउड ऑफ़ योर माउथ अब इसकी एक्सप्लेनेशन तो हमें डॉक्टर साहिबा ही देंगी लेकिन अगर आपको कोई भी अपने गम्स में मसूड़ों में मसला महसूस हो दांतों में कोई मसला हो खुदा न खास्ता औरल कैंसर की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डॉक्टर से बर वक्त रजू करें और मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाएं ये डिस्क्लेमर मैं हमेशा इसलिए देती हूँ क्योंकि आजकल तो लोगों ने बकायदा जो है ना ट्रेन स्टेशन के बाहर और इधर उधर वो स्टॉल सा लगाया होता है जैसे कोई टेबल कुर्सी और मतलब दांत भी निकाल देंगे और ये भी कर देंगे ये प्रॉपर ट्रेंड डॉक्टर्स नहीं होते व्यूअर्स प्रॉपर ट्रेंड डॉक्टर का अपना क्लिनिक होता है या फिर वो किसी गवर्नमेंट के इदारे में काम करते हैं किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर वो अपने काम को प्रैक्टिस कर सकते हैं और दांतों के थ्रू दांतों की ना भी बीमारी लगे लेकिन दांतों के अंदर गलत औज़ार वगैरह या गंदी चीज़ें यूज़ करने की वजह से हेपेटाइटिस टाइफॉयड हज़ारों बीमारियों का इंसान शिकार हो सकता है सो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर सलीमा नवीद आंजी से आप डेंटल सर्जन हैं ट्रेंड क्सपर्ट uh, हैं उसके अलावा औरल मेडिस हैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बड़ी दफ़ा हम इनसे बात भी कर चुके हैं सोशल वर्कर इन्होंने बड़ा काम किया एंड हेल्थ एडवोकेट एंड मीडिया पर्सन असल वाले कैसी बिल्कुल ठीक अच्छा डॉक्टर सबसे पहले तो <coughs> ये बताइए कि वर्ल्ड औरल हेल्थ डे मना एक तो हर चीज़ का डे मनाया जाता है खुशी भी होती है बिल्कुल <coughs> <coughs> हमें थीम मिल जाती है उस दिन शो की तो <coughs> वो भी एक आसानी हो जाती है लेकिन ये है क्या ये क्यों क्यों मनाने का फैसला किया लोग अच्छा सबसे पहला जो ओरल हेल्थ डे स्टार्ट हुआ था तो वो वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन एफ के नाम से सब जानते हैं तो उन्होंने स्टार्टअप दिया था ट्वेल्थ ऑफ़ सितंबर को 2007 में सबसे पहला जो था हाँ. उन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने ये सोचा कि भाई बहुत सारे डेज को रिकोग्नीशन मिलती है हर uh, एक uh, मैं कहूँगी पार्ट ऑफ बॉडी को इतनी रिकगनीशन मिलती है कि इसका ये इंपॉर्टेंस है आंखों की ये इंपॉर्टेंस है क्यों ना हम दांतों के बारे में भी लोगों को बताएं क्योंकि उसका लिंक हमारे सिस्टमिक डिजीजेस से भी है कि हमारे जितने भी और प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मैदे का मसला स्किन का मसला अल्सर्स वो सब कुछ हमारे एक दांतों या मसूड़े की यू नो उसकी टेक केयर के से लिंक है तो उन्होंने फिर स्टार्टअप दिया एक वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ऑन यू नो ट्वेंटियत ऑफ मार्च फिर इनिशियली जब ये हुआ उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बिठाई और एफडीआई के तावन से ये अब हर ईयर जो है ट्वेंटियत ऑफ मार्च को होती है अब ये क्या इनिशिएटिव था हर साल का थीम डिफरेंट होता है बात करते हैं कि जी अः मसूरों को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए इस बार का जो हमारा थीम है आपने भी बताया स्टार्ट में कि बी प्राउड ऑफ योर माउथ बहुत सारे लोग होते हैं छोटे होते हैं बड़े होते हैं मिडिल एज होते हैं एडल्ट होते हैं वो सोचते हैं कि जी मैं अगर छोटा था तो मेरे ये इतने अच्छे दांत थे मैं अब, अब बुजुर्ग हो गया हूँ तो मेरे ये हो गए तो ये बच्चे आप देखिए माँ बाप एहतियात नहीं करते हैं ब्रशिंग का उनको बताते नहीं है उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं वो बच्चे मुस्कुराना ही छोड़ देते हैं बिल्कुल क्योंकि और बच्चे मजाक उड़ाते हैं बिल्कुल एडल्ट्स पे मैंने देखा है मैं एक आई कान टेल यू डॉक्टर साहब आई मेट दिस यंग दिस वूमन मेरे पास काम करने के लिए आई एंड मेरी जब मुलाकात हुई अच्छा वो बात करे ना मुंह इस तरह हाथ आगे कर हाँ। करके तो मैंने कहा मैंने कहा बेटे आप अपना मुंह छुपा छुपा के क्यों बात करी शी मस्ट हैव बीन मे बी ट्वेंटी Oh, okay. हमेशा आई डी का, हाँ, कार्ड, तो, कार्ड चेक करके उम्र हाँ. के बारे में, के बारे में बोलते हैं और हाँ. मुझे आपको पता है अंडर एज लोगों बिल्कुल. का कानून के खिलाफ मैंने कहा मैंने कहा बेटा मुंह छुपा छुपा के उसने कहा वो आप ही मेरे दांतों में मसला है मैंने कहा एक दांत होगा खैर मैंने जबरदस्ती उससे कहा कि अपना हाथ नीचे करके दिखाया डॉक्टर साहबा पूरे दांत उसके ऑरेंज और खाए गए थे बिल्कुल जैसे हाँ। बर... तो डिट, इसलिए हम कहते हैं जी अगर आपकी कोई स्टेट अच्छी है तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ अगर आप यंग है तो उसकी अभी से केयर करें देन वेन यू रीच टू ओल्ड एज तो आप उस जगह पे पहुंचते हुए अपनी उस चीज का ख्याल कर सके आपको कोई मसूई दांत नहीं पहनने की जरूरत और आप देखें कि इतनी ज्यादा दांत तो की एस्थेटिक्स में भी अब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि देखिए स्माइल आप आपकी अच्छी स्माइल हो Bilkul. तो हर बंदा जो है वो, वो वो आपको देख के मुतासिर भी होता है और मुस्कुराहट को तो सदके का भी दर्जा Bilkul. दिया गया है तो अब बात ये है कि जिस मुस्कुराहट की इतनी वैल्यू है उसका हम ख्याल भी रखें ना बिल्कुल और इतना कोई मुश्किल या ओंखा काम भी नहीं है ख्याल no. रखना Uh, आपने बच्चों की बात की ना मैं हमेशा से कहती हूँ बहुत मरतबा और हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं मैं उनको बताती हूँ कि ये पेरेंट्स की रोल मॉडलिंग होती है अगर पेरेंट्स रोल मॉडलिंग ना करें बच्चा कर रहा है ब्रश आपके साथ तो आप भी शुरू हो जाएँ उसके साथ उसे बताएं कि किस तरह राउंड मोशन में बेटा करना है और फिर उसे बताएं कि मैं यूँ कर रही हूँ फिर मैं टंग में कर रही हूँ बच्चा हमेशा से ऑब्जर्व करता है फाइव ईयर्स तक की एज एस पंजे उसका दिमाग जो सिखाएंगे वो सीखेगा तो इट्स द बेस्ट टाइम टू रोल मॉडल दैम तो बच्चों में तो हम कहते हैं कि पेरेंट्स की बहुत टेंशन ज़रूरी है टू टाइम्स ब्रश करना चाहिए बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि जी ब्रश कब कब करना होता है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप नाश्ते के बाद ब्रश करें लोग आधी से ज्यादा नाइनटी नाइन परसेंट हमारी आवाम नाश्ते से पहले करती है विच इज लाइक वर्स्ट क्यों बला इसका ये रीजन है कि नाश्ते के बाद आप करेंगे आपका पूरा दिन चलेगा और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे उसके बाद आप रात को सोने से पहले करते हैं पूरी रात आपकी प्रोटेक्टेड चलेगी तो ये एक इसके पीछे एक साइंटिफिक एक वो है रीजन साहब है इसमें थोड़ी सी आप लोगों की भी गलती है क्योंकि पहले द, जो डेंटल प्रोफेशनल्स थे डेंटल सर्जन थे डेंटिस्ट थे वो यही कहते थे कि भाई सुबह उठते ही दांत ब्रश करें और रात को सोने से पहले दांत ब्रश करें तो वो बात दिमाग में फिट हो गई ना आई थिंक बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जी कन्फ्यूज भी होते हैं लेकिन खैर आई डू मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि मैं तो कोशिश करती हूँ कि

तो इंपॉर्टेंट है कि आप इनिशियली अगर ब्रशिंग की हैबिट्स में ज्यादा ब्रशिंग ना करें बहुत सारे लोग तेज़ ब्रश करते हैं अक्सर मरतबा मैंने देखा मैं बताना भी चाहूंगी अगर आप इजाजत दें बहुत सारे सबसे देंपोर्टेंट और सबसे बेसिक बात तो टीथ ब्रशिंग है प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर अगर आपने बीमारी आपको लगती ही नहीं है तो आपको उसके इलाज की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो है एक तो ये आपने बताना डॉक्टर साहब और उसके बाद आपने बताना है कि कौन से वाइटमिन मिनरल्स ऐसी चीजें हमारी दांतों की सेहत के लिए अच्छे हैं डेफिनेटली उससे हमारी प्रिवेंशन कवर हो जाएगी फिर क्योर्स की तरफ आएंगे सबसे पहली चीज हमारी होती है ब्रश डेफिनेटली ब्रश का बहुत ज्यादा फॉल्ट है लोगों में और वो बहुत ज्यादा गलत भी गलतें हुए करता है सबसे पहली एक जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो ये कि आपका ब्रश जो है आपके जो भी एक टॉयलेट एरिया है जहाँ आप वाशरूम कर रहे होते हैं जो भी उसे सिक्स फीट की दूरी पर पड़ा होना चाहिए इसका रीजन ये कि वो जितने भी वहां पे डिफ्यूज हुए हुए हैं बैक्टेरियाज जो भी है वो आपके ब्रश तक ना पहुंचे फर्स्ट चीज जब आपने सिक्स फीट की दूरी पे इसको रख दिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसको कैप कर दें कैप करने से ये प्रोटेक्टेड रहता है इसमें कोई जर्म्स नहीं जाते अगर इनकेस गिर भी जाएगा तो वो कैप होगा तो प्रोटेक्टेड रहेगा इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ब्रश के ब्रिस्टल्स तीन तरीके के ब्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास सॉफ्ट होते हैं मीडियम और हार्ड होते हैं तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं सॉफ्ट इसका खास रीज़न ये होता है सॉफ्ट में कि आ, इतने ब्रशे सॉफ्ट होते हैं कि आपके गम्स और तीत को एबरेट नहीं करते और उसे ये होता है कि आपके दांत जो है वो घिसते नहीं है जो मैंने इनामल होता है बिल्कुल टॉप लेयर होता है दांत का वो घिसता नहीं है तो उसमें ब्रशिंग आपकी बहुत सॉफ़्ट होती है और सॉफ्ट आप हमेशा पढ़ेंगे उसके ब्रश के ऊपर ही लिखा हुआ होता है साथ सॉफ्ट मीडियम हार्ड तो सॉफ्ट लीजिए जब आप सॉफ्ट ले लेंगे अब आपका स्टेप थ्री आता है आपने कैपिंग कर ली आपने ब्रश अच्छा चूज कर लिया आपने चेक कर लिया सब कुछ अब ब्रशिंग की टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने ब्रश को 45 के एंगल पे रखना है और 45 के एंगल पे रखते हुए इस तरह राउंड मोशन में पीछे तक जाना है जब आप ये राउंड मोशन में पीछे तक जाएंगे तो फ़ौरन से आपका ब्रश के जितने भी जो भी आपके दांत के बैक्टीरिया से वो खत्म हो जाएंगे अब ये मैं देखिए गम से दांतों की तरफ जा रही हूँ गम से दांतों की तरफ विच इज सो इंपॉर्टेंट सबसे पहले ऊपर करेंगे बाहर बाहर की तरफ आपने कर लिया जो कि बकल सरफेस होता है उसके बाद आप लिंगुली करें सारा पैलेटली जो ऊपर का पैलेटली एरिया होता है उसको कर लें जब ये नीचे सारा चला गया आप नीचे की बाहरी आती है तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसको भी आपने फोर्टी के एंगल पे रखते हुए ऐसे ऐसे करते हुए इसको लेके जाना है और फिर अंदर की तरफ अभी आप देख रहे हैं सब कुछ बाहर आ रहा है अब ये जब आपने चारों ओर कर लिया आप बिल्कुल कंफर्म हो गए आपको खुद भी अच्छा रिकमेंडेड होता है वन मिनट तक एक मिनट तक बिल्कुल एक मिनट तक करें अगर आप नहीं ज्यादा देर करना चाहते थर्टी से थर्टी uh, सेकेंड से वन मिनट इज लाइक गुड इसके बाद जब आप सब कुछ दांतों पे कर लेते हैं तो जबान पे आपने एंड आप में करना है, है सोशल मीडिया exactly. तो so अगर इतनी जोर से रील्स आई है तो लगा के अपने जी जरूरी यही था बताना क्योंकि यही सब सब सारी अमां हमारी गलती करती है आप हमेशा ये पेशेंट्स हमें कहते हैं हमें मुंह में से बदबू आ रही है जो है और हम माउथ बेड ब्रीदिंग की इतने पेशेंट्स होते हैं कि हम स्केलिंग होते हैं वी आर लाइक कि इस पेशेंट ने सही तरह ब्रशिंग ही नहीं की है ये क्या होती है ट्रिक आपकी कि माउथ ब्रीदिंग जो अच्छी ब्रीदिंग हो गुड ब्रीदिंग हो आप सबसे एंड में उसी ब्रश से आपने टंग को ब्रश करना है एंड यू विल फील सो फ्रेश प्लीज जबान को ब्रश जरूर किया करें yes. क्योंकि जबान के ऊपर सबसे ज्यादा स्मेल वाले जरासीम जो है वो बैठे हुए होते हैं बिल्कुल और जाहिर आपने सारा दिन जबान को अगर नहीं ब्रश किया बिल्कुल, बिल्कुल, तो रात को ब्रश करके सोए सुबह उठ के कभी भी आपकी जबान पे तय नहीं जमेगी बिल्कुल तय उन लोगों की जमती है जो ही नहीं करते टंग को ब्रश कर एग्जैक्टली तो ये आप ये मैं कहती हूँ सीक्वल है हमेशा मैं कहती हूँ कि ये एक सीक्वेंस है अगर आप स्टार्ट में ये सब चीज़ें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रोटेक्शन पूरी ओरल हेल्थ हेल्थी हो जाएगी उसके बाद दो कर आप ब्रश को फौरन से जो है वो अलग से सिक्स फीट की दूरी पर रख दें इट इज़ सो तो इंपॉर्टेंट हम कोविड में लोगों को बोलते रहे जी इतनी आप सिक्स फीट की दूरी पर रहें इस पर रहें लेकिन लोग समझते ही नहीं है बात को इंपॉर्टेंट ये कि हम अगर अपने ही वॉशरूम से ही क्लीनरनेस शुरू कर देंगे एंड देन वी आर माउथ वॉश के बारे में मैं जानना चाहती जी जी। हूं। कुछ लोग बहुत प्रो माउथ वॉश होते हैं कुछ कहते हैं कि नहीं उससे दांतों की स्टेनिंग भी हो जाती है नो no. अच्छा मैं हमेशा से बताती हूँ uh, uh, करता है हमेशा hmm. माउथ वॉश बहुत सारे लोग कहते हैं हम ब्रश कर लेते हैं बीच में हमें कभी ऐसा फील होता है कि माउथ ब्रीदिंग बहुत बुरी हो रही है बीच में डेवलप हो गई है हमने कोई ऐसी चीजें खा ली हैं बहुत अमाइनो एसिड्स वाले फूड होते हैं ना जो प्रोटीन रिलेटेड होते हैं उनमें स्मेल ज्यादा आती है आपके मुँह से तो उन उस दौरान हम क्या करें आई जस्ट टेल दैम एज यू कीप योर को अपने पर्स में रख लें और मुंह में जिस तरह से करते नहीं, हो। तो आपको सिर्फ करते है। कि आप ब्रश ऑल नहीं, नहीं मैं ये कह रही थी कि लोग इन कॉम्बिनेशन के आपने दांत ब्रश किया एंड में वॉश किया और उसके बाद आप कर सकते हैं बिल्कुल करें इस... को अगर एक सेपरेट चीज के तौर पर रखें कि दिन में जैसे अक्सर ऐसे होते हैं हमारे पास ब्रश पेस्ट, सारी चीजें नहीं होती इतनी सी किसी बॉटल के अंदर आप अपने टूथ अपना वॉश रख लें और आप जिस तरह ट्रेवल किट्स भी होती हैं इंसान की और अक्सर लोगों ने खतन ने मर्दों ने भी कोई ना कोई हाथ का लोशन कोई सन ब्लॉक कोई तीन चार चीजें रखी होती है उसमें इतना सा वो रख लें बिल्कुल अब आपने फॉर एग्जाम्पल प्याज और मतलब बंदा फॉर एग्जाम्पल बाबी क्यू खाता है हाँ। तो आप चटनी भी साथ में खाते हैं आप उसके साथ प्याज भी खाते हैं मुंह से बदबू आनी आनी है एग्जैक्टली exactly, तो जरूरी है कि इर्द गिर्द का हर बंदा भी टॉर्चर हो बिल्कुल मुझे तो इस चीज से बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे अपने आप से स्मेल का अपनी जात से ज्यादा ये एक तो स्मेल आ रही है तो यानी कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया है यानी कि प्रॉब्लम है लेकिन दूसरे जो तंग होते हैं मैंने देखे लोग परफेक्ट दांत चमकते हुए ये वो करीब जाके बात करो तो लगता है जैसे गटर के साथ जाके खड़े हो गए अच्छा मैंने बहुत सारे लोगों से कम्प्लेन भी सुनी है जो आते हैं बताते हैं कि हम हम इतना ब्रश करते हैं हम, हमारी तो हो ही नहीं सकती गलती फिर बदबू क्यों आती है फिर खाना क्यों फंसता है उनकी फिर, फिर खाने में मसला है ना एसिडिटी exactly. प्रॉब्लम एग्जैक्टली फिर इसमें सिस्टमिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं और एक और भी मसला है कि बहुत सारे लोगों के खाने फंस जाते हैं दांतों के दरमियान तो हमारे कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होते हैं दांतों के बिल्कुल साथ साथ ये इसमें आपके नॉर्मल ब्रशेस नहीं जाती जैसे कांटेक्ट एरियाज हैं इन एरियाज में हम इंटरडेंटल ब्रशेस रिकमेंड करते हैं दे आर वेरी डेंटल फ्लॉस दे आर वेलीड मैं भी ये बताने लगी हूँ बहुत सारे लोग ब्रशेज़ अगर नहीं कर सकते तो नहीं करें आप बिल्कुल दांतों के दरमियान करते हुए उसे निकाले यू बाहर की तरफ मैं हमेशा बताती हूँ कि फ्लॉस अगर आपके पास है आपने दांत के दरमियान डाला और इसे यूं अगर

देखिए ये अगर इतना आसान होता डेंटिस्ट बनना थोड़ी चार यूट्यूब पर दो चार चीज़ें देख के आपने अपनी दुकान लगा ली इट डजन वर्क दैट डैट exactly. प्रॉपर मुस्लिम डॉक्टर के पास जाएँ ताकि वो ना सिर्फ आपको आपकी ट्रीटमेंट करे आपको साथ साथ आपको प्रॉपर गाइड भी करे ब्रेक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो सबसे कॉमन दांतों के मसाइल हैं उन पर बात करेंगे और ये जो बात बहुत ज़्यादा आजकल सुनने को मिल रही है कि अगर खातून प्रेगनेंसी के मरल से गुजर रही है तो उसको डेंटिस्ट पे ज़रूर जाना चाहिए रेगुलरली प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स डॉक्टर सलीमा नवीद मान जी हमारे साथ हैं डॉक्टर तो हैं ये साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं एंड सोशल वर्कर हैं एंड हेल्थ एडवोकेट हैं इसीलिए हमने सोचा कि सिर्फ डेंटिस्ट नहीं है सिर्फ डेंटल सर्जन नहीं है बट साथ साथ ये सारी चीज़ें करती हैं तो आज का हमारा दिन जो है अच्छे तरीके से मनवा देंगी <laughs> अच्छा डॉक्टर साहब अब तो हमने बात कर ली ब्रेक से पहले कितना ज़रूरी है दांतों को साफ रखना प्रिवेंशन की बात कर ली सिर्फ मुझे ये बता दें कि कोई ऐसी सप्लीमेंट्स ऐसी चीज़ें जो हमारे दांतों के लिए बड़ी अच्छी होती हैं ठीक है जो हमें दांतों की बीमारियों से बचाती हैं हर किस्म की वाइटमिन होती है वाइटामिन डी हड्डियों के लिए तो तो मतलब दांतों के लिए क्या हमारे लिए चार जो मिनरल्स जो मैं कहती बहुत कोर हैं जो बिल्कुल होने चाहिए हमारी गिजा में भी मैं बताऊंगी कैसे आते हैं एक एक तो 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 फ्लोराइड फ्लोराइड क्योंकि वो तो हर वो हर हर जगह जगह टूथपेस्ट में भी लिखा होता होता है है हमारा ए ए का रीजन क्या होता है हमारा जो सलाइवा थूक होती है उसको वो बूस्ट करता है बनाता है अब सलाइवा क्या करता है थूक क्या करता है हमारे मुंह के अंदर जितने कीड़े होते हैं ना उसको वो एक्चुअली मूव आउट करता है गश आउट करता है तो सलाइवा अगर किसी मुंह में ना हो तो ड्राई होगी ड्राइनेस होगी अगर मुंह के अंदर जिसे जीरो कहते हैं हम अपने अल्फाजों में तो हमारे मुंह के अंदर कीड़े बहुत बनेंगे तो सबसे पहली चीज विटामिन ए है लोग कहते हैं जी ये तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आई साइड के लिए बिल्कुल है गाजर खाएं गाजर आपके दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है सलाइवा के लिए बहुत अच्छा है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्यूंबर्स खाएं इसके बाद मैं बताती हूँ विटामिन डी विटामिन डी आपकी बोन्स क्योंकि आपकी दांत भी बोन है तो ऑफ कोर्स उसकी स्ट्रेंथनिंग uh, के लिए आपके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है जिसमें हम कहते हैं मिल्क बहुत लें आप दूध में बहुत ज़्यादा सनलाइट बहुत जरूरी है डायरेक्टली अगर आप नहीं ले रहे हैं कोई uh, uh, दूध वगैरह तो बेशक आप सुबह को अर्ली मॉर्निंग सन बाथिंग भी करेंगे सिक्स सिक्स एम पे तो बहुत अच्छा है आपके लिए इट यू नो ट्रांसफर्स योर कोलेस्ट्रॉल इंटू वाइटमिन डी विच इज़ सो इंपॉर्टेंट इसके बाद मैं कहती हूँ विटामिन डी के साथ ही मैं मिनरल बताती हूँ कैल्शियम कैल्शियम आपके दूध में है बहुत इसको लें मखाने में है विटामिन डी की जरूरत है विटामिन डी को कैल्शियम एंड दे आर बॉन्ड विद ईच अदर तो मैं बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में दूध में तो है ही लेकिन मखाने में बहुत ज्यादा है आप उसको लें वो आ, मैं हमेशा बताती हूँ उसे रोस्ट करें मखाना एक हर्बल ही है उसे आप रोस्ट करें पॉपकॉर्न की तरह कलर होता है उसका लेकिन दे आर सो क्रिस्पी उसको आप सेकें सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के और उसे अपने एक जार में रख दें जब आपको मंचिंग का दिल करे आप उसे ले लें दूध के तो साथ ले लें गलत करते हैं हम पहले उसको फ्राई करते हैं ओहो उसके ऊपर फिर नमक डालते हैं अच्छा अगर आप उसे देसी घी में करते हैं फ्राई तो इट्स इट्स गुड लेकिन अगर आपको था, था, कोई जाती है। बस ये एक है। हमेशा रमजानों में भी बहुत लोग पूछते हैं जी बताएं प्लीज हम के इफ्तार में हम क्या खाएं। जब इफ्तार हो गई फिर मैं बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों को वाइटामिन अब लोग बहुत कहते हैं वाइटामिन सिट्रिक है एसिडिटी करेगा डेफिनेटली करता है उसका एक डिसएडवांटेज है लेकिन एडवांटेज की पहले तरफ आए सबसे ज़्यादा हमारी आवाम में पाकिस्तानी आवाम में क्या मैं दुनिया के आवा में बात अगर करूँ गम डिजीज़े मसूड़ों के मसले इतने ज़्यादा हैं तो वाइटमिन सी लेंगे तो सारे मसूड़ों के मसले हल हो जाएंगे आपके ब्लीडिंग नहीं होगी आपके मसूड़ों से आपके मसूड़े मज़बूत रहेंगे तो सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ वाइटमिन सी आपको बहुत सारी गजा से मिलती हैं सिट्रस जैसे फ़्रूट्स होते हैं औरेंजेस हैं लेमन् यूजली बहुत सारे लोग टोमेटोज मैं उनको कहती हूँ ले उसके अंदर लाइकोपीन है टोमेटोज़ की वजह से लाइकोपीन मिलता है लाइकोपीन आपके पूरे गम्स को मसूड़ों को मजबूत करता है एंटी की तरह काम करता है तो इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं पर्टिकुलरली हमारे पास जो हमें डायरेक्टली वाइटामिन दे रही हैं तो ये वाइटामिन सी वाइटामिन ए वाइटामिन डी कैल्शियम एंड फ्लोराइड नाव फ्लोराइड वी गेट इट फ्रॉम आर टूथपेस्ट वैसे भी नॉर्मली बच्चों में थोड़ा कम होता है आ, मैं कहूँगी टॉक्सिसिटी लेवल को रोकने के लिए बट होता है और बड़ों में भी होता है तो टूथपेस्ट ऐसा वाला लें जिसके अंदर फ्लोराइड का कॉम्पोनेंट हो पढ़ के लें उसे आ, ये एक हम आ, अगर सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होगी हमारे पास तो कभी भी हम अच्छी तरह अपनी ओरल हाइजीन का मेंटेनेंस नहीं कर सकते तो फ्लोराइड आपको इस तरह से मिल जाता है यूजली फ्लोराइड के हमारे पास वॉर्निशेज आते हैं हमारे पास कैप्सूल्स आती हैं लेकिन हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज वो हमारे पास एक कंट्रोल लेवल में नहीं होती हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं चला जाता है और टॉक्सिसिटी पर देखें ना वाइटामिन डी में भी लोगों ने कितनी बेवकूफियाँ की हुई हैं बिल्कुल ये मतलब डॉक्टर ने कहा कि भाई वो जो आपने कैप्सूल है वो हफ्ते में एक दफा लेनी है या महीने में एक दफा देना पंद्रह लोगों दिन ने हर दो लेनी शुरू कर दी वो इतनी हैवी होती है वो आपने देखा नहीं थाउजेंड यूनिट्स होते हैं आपने कैल्शियम में भी देखा होगा के कैल्सी थाउजेंड जैसे है

एक वो जो कहते हैं ना एफर्ट के बाद डॉक्टर बनता है तो खुद अपने आप को ऑनलाइन पढ़ के या फूफी ने फलां चीज ली चाची ने ली या अम्मी ले रही है तो मैं भी ले लूं मैंने भी ये बेवकूफियां की हुई इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप ना करें अच्छा ना आई वॉन्ट टू मूव ऑन टू जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं अच्छा आजकल माए बहुत कंप्लेन करें कि बच्चों के दांत नहीं टूटते मैं बात कर रही हूँ बेबी टीथ ओके मिल्क टीथ किस किस उम्र पे टूटने शुरू होने चाहिए ओके okay, यूजुअली हमारे पास बहुत सारे बच्चे जिनकी मदर्स जो हैं वो बहुत अच्छा कैल्शियम में विटामिन डी लेती हैं जो पर्टिकुलर एक लेवल चाहिए होता है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी और जब बच्चे की बर्थ होती है तो उस टाइम पे उनका मेनटेंड होता है लेवल तो वो बच्चे के दांत बड़े मज़बूत होते हैं और अक्सर मैंने सुना है कि उन बच्चों के दांत पैदाइश में आ जाते हैं बिल्कुल पैदा हुए हैं और दांत छोटे से उनके बने हुए हैं तो मदर्स बहुत परेशान हो जाती हैं कि जी इतना जल्दी आ गया ये तो सिक्स मंथ्स में आते हैं वैसे हमारा टाइम होता है सिक्स मंथ्स टू सिक्स ईयर्स हमारे जो प्राइमरी डेंटिशन होती है दूध के दांत होते हैं तो अगर वो आ भी जाते तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है दे आर रियली नॉर्मल क्योंकि आपने अपनी प्रेगनेंसी में इतना अच्छा लेवल ऑफ कैल्शियम वाइटमिन डी लिया दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर योर चाइल्ड अब होता क्या है कि उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है केयर कैसे करनी है माएँ बड़ी परेशान होती है कि जी आ, कैसे हम बच्चों के दांतों का ख्याल रखें सबसे स्टार्टिंग स्टेज में कहती हूँ गॉज होता है आपका ये कॉटन होता है बहुत सारे लोग गॉज जो रुई की तरह होता है उसे लें उसे नीम गर्म पानी होता है बॉयल्ड वाटर होना चाहिए बच्चे के मुँह में कोई भी चीज़ आपने विदाउट बॉयल नहीं करनी तो बॉइल्ड वाटर में उसे डिप करें उसे स्क्वीज़ करके और बच्चे के सारे गम्स जो सॉकेट्स होते हैं उसे क्लीन करें ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रशिंग होता है बच्चों के अंदर जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं छः माह से पहले दांत नहीं आए बेशक और आए तो बहुत छोटे से आए अब आपने ये क्लिनिंग शुरू कर दी आय तरह से बच्चा बड़ा हुआ आपने उंगली से बच्चे की ब्रशिंग करनी है अब अब पानी के साथ जब बच्चा उससे भी एडेप्टेबल हो गया अब टाइम आता है पेस्ट का सिक्स मंथ्स के बाद सिक्स मंथ्स में आपने बच्चों के अंदर रेकमेंडेड है कि चावल का दाना जो होता है ना इतना आपने पेस्ट लेना है बच्चों का रेकमेंडेड ब्रांड होता है छोटे बच्चों का अलग होता है उनके बच्चों का मैं नाम नहीं लूंगी ब्रांड का बट ये उसका नाम होता है बच्चों के लिए लिखा होता है पीट्स के लिए बच्चों के लिए हा, हा, वो आपने टूथपेस्ट सिर्फ लेना है क्योंकि उसमें कॉम्पोनेट थोड़े से माइल्ड होते हैं बिल्कुल तो बड़ों वाली टूथपेस्ट से नहीं मलना नहीं करना अच्छा नहीं मैं कुछ और पूछ रही थी जी 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 प्लीज मैं ये पूछ रही थी कि आजकल माए कंप्लेन करती हैं कि बच्चों के दूध के दांत टूट नहीं रहे तो वो तो कोई मसला नहीं है देखिए मुझे याद है हम छोटे होते थे अच्छा। तो पांच छह साल की उम्र पे पहला दांत टूट जाता था और मतलब मुझे याद है कि हमजा की बारी टूट ही नहीं रहते दान मैंने डॉक्टर अच्छा। को जाके पूछा तो उन्होंने कहा क्योंकि आप लोग उनको चबाने के लिए कोई चीज ही नहीं देते ये बिल्कुल ठीक है उन्होंने क्या ये फैक्ट है या इट इज बहुत सारी मदर्स क्या करती हैं ग्राइंड कर देती हैं खाना और कहती हैं बच्चे को चबाने की वही ना करनी हम छोटे होते थे गंडेरिया खाते थे गाजर आपने जैसे कहा गाजर खानी बहुत अच्छी है is, अब गाजर भी देनी है उसको पहले बॉईल करके करके मैश करके दे, दे देंगे तो मतलब छह साल के बच्चे को मैश चीजें तो नहीं अच्छा मैं स्टेज वाइज हमेशा बताती हूँ हमारे पास आती है आप स्टार्ट करें उसे की तरफ। की तरफ। का मतलब छह माह की उम्र पे जब आपने बच्चे को सॉलिड शुरू कराए तो पहले दो महीने यानी कि आठ माह तक ये ना करें दो महीने पे बच्चे को खाना खिलाना शुरू मंथ्स आठ मही तक आपने ग्राइंड करके yes. अच्छा फिर आठ माह के बाद सेमी सॉलिड्स। अब सेमी बच्चा आ जाता है थोड़ी उसकी चुन स्टार्ट होने शुरू हो जाती है क्योंकि दांत भी आ रहे हैं आइनिशियल आ जाते हैं incisors, uh, आ जाते जो मोलर्स uh, होते हैं तो ये माह में जब आपके तीन दांत आ गए तो अब बच्चा से बाइटिंग कर सकता है जो कि हमारे मोलर्स होते हैं अब ऐसे सेमी पे ले आए सेमी टू का होता है हमारा मोलर्स का टाइम अब ये देखिए टाइमिंग मैं आपको बता रही उससे लिंक में खाने का बता रही सेमी जब शुरू कर उसने मंथ्स के अंदर तक वो गया अब आप उसको सॉलिड पे ले आए फॉर एग्जाम्पल कक्यूबर पकड़ा दें उसे एग्स भी दे सकती हैं आप मतलब इट इज सो नॉर्मल मदर्स क्या करती हैं ओ जी दो तीन साल तक उसे ग्राइंड फूड दें ग्राइंड खिचड़ी दें दलिया दें अरे वो बड़ा प्रॉब्लम करता है मेरी बेटी के साथ हुआ था इनिशियली आई आई टुक एन एक्शन के बस अब एक टाइम है कि आई हैव टू गिव अ सॉलिड्स घर के बड़े नहीं मानते ना एज अ मदर आपने भी देखा होगा मेरे साथ भी यही होता है जब मैं किसी चीज चीज को कोई कर, करना शुरू करती तो मुझे आगे से डांट पड़ जाती है एंड वर्किंग मदर्स क्योंकि 24 घंटे सर पे नहीं, होती, नहीं होती। तो हम होते हम डिपेंडेंट होते हैं अपने घर पर बड़े सीधे हो जाए सारे अच्छा सो फाइनली बिकॉज बातें तो बहुत ज्यादा है करने को अभी डिजीजे की भी बात करनी थी अगर एक मैसेज के तौर पे हम अपने आज के सेगमेंट को क्लोज कर दें क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि पोस्ट रमजान ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाएंगे थीम कर तो आपको दिखाएंगे, दिखाएंगे. बताइए आप, so, के के से यही होगा कि आई थिंक अकॉर्डिंग टू यू शुड बी प्राउड ऑफ योर माउथ वट एवर एज इज ऑफ योर्स ये ना कि जी मैं आज इस एज में हूँ तो मैं क्या करूँ इस एज में कर लेंगे तो आगे के लिए आपका फायदा होगा और ये एक रिमाइंडर है आप सबके लिए प्लीज

और कब इमरजेंसी में जाना ये चाहिए ही जी आपने जाना है हर छह महीने के बाद डेंटिस्ट से रुझ और बच्चों को किस एज पे लेके जाना शुरू करना चाहिए। months, onwards, क्योंकि मदर्स को जानना जरूरी है कि किस तरह से ब्रशिंग करनी है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता अवेयरनेस या वो टीवी नहीं देख रहे होते या उनके पास सोशल मीडिया नहीं होता क्योंकि डेंटिस्ट सिर्फ आपके दांत नहीं देखता व्यूअर्स वो आपके गम्स भी देखता है आपकी पूरी ओरल हाइजीन मुंह के अंदर हेड हेड एंड एंड नेक नेक पूरा पूरा है कोई स्वेलिंग्स है अच्छा अब इसके अलावा आपने पूछा दूसरा सवाल की जी रिकमेंडेड क्या है कि इमरजेंसी कब आपको जाना चाहिए दो तीन इमरजेंसीज़ होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत में कीड़ा शुरू हो गया फिल है, इमीजिएटली उसको आउट कराएं। अगर फिलिंग नहीं करवाएंगे तो वो रूट किनाल बन जाएगा। और रूट किनाल में तो इमरजेंसी केस ही होता है आपको फॉरन से जी आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते सो so, अगर दूसरी इमरजेंसी होती है स्वेलिंग अगर स्पेस स्वेलिंग कोई होती है बड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि आपका एक तरफ और दूसरी तरफ में कोई फर्क आ गया है कोई चीज़ फुल रही है स्वेल हो रही है फ़ॉरन रश करें क्योंकि इट कैन रीच टू योर आईज क्योंकि अक्सर आप लोग व्यूअर्स आई एम सॉरी मैं बड़े गिले के साथ स्पेशली हमारे hmm. जो बुजुर्ग हज़रत हैं दांत में मसला हुआ खुद ही ठीक हो जाएगा लॉन्ग रख ली ये कर लिया वो कर लिया जब बिगड़ जाता है मसला और बाकायदा डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ती है तब आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास और तीसरा ये कि अगर आपको बहुत प्रिफ्यूज ब्लीडिंग बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है आपको आप रोक नहीं पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप डेंटिस्ट के पास जाएं देर मज बी सम ब्लीडिंग डिसऑर्डर अंडरलाइनिंग एज वेल क्योंकि जब भी दांत ब्रश करते हैं अगर बाकायदा खून बह रहा है तो फिर प्रॉब्लम थैंक यू सो मच एनी टाइम आई एम लुकिंग बहुत enjoy करेंगे क्योंकि जो आपके क्वेश्चन और कंसर्स होते हैं ना हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनको कवर भी करें और आपको फिजिकली दिखाएं कि परेशानी की कोई बात नहीं है मुझे आज तक ये समझ नहीं आई बात कि डेंटिस्ट से ही हम आखिर क्यों डरते हैं डेंटिस्ट तो बेचारे कोई भी प्रोसीजर करना होता है तो आपको लोकल एनिस्थीजिया दे के नम करके सारा कुछ करते हैं या बेहोश करके करते हैं दूसरे डॉक्टर तो बहुत सी चीज़ें ऐसे कर जाते हैं विदाउट इवन गिविंग यू दैट नमिंग वाली सेंसेशन तो डेंटिस्ट के पास साल में दो दफ़ा ज़रूर जाए एवरी सिक्स मंथ्स विदाउट अ प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम के लिए नहीं जाना अगर बीमारी के होने से पहले ही हम उसकी तश्ीस करके उसका इलाज कर लेते हैं तो फिर आगे जाके किसी मेजर प्रॉब्लम की तरफ हम नहीं जाते। सो so व्यू आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एंड थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ फिर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स जब मिल बैठती हैं तीन सहेलियाँ दो सहेलियाँ सेपरेट सेपरेट जिनको अब मैंने कनेक्ट कर दिया तो अब इनकी भी दोस्ती हो जानी है प्रॉब्लम यह है व्यूअर्स कि हमने बात करनी है बड़ी सीरियस चीज़ पर लेकिन हैं सहेलियां अब अल्लाह करे कि कोई सीरियस गुफ्तगु निकल आए इसके अंदर से बट जोक साइड ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट व्यूअर्स इनफर्टिलिटी या बांझपन एक ऐसी कंडीशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पूरी फैमिली जो है एक तरह से मुब्तला हो जाती है और लड़का लड़की लड़की का पूरा ख़ानदान लड़के का पूरा ख़ानदान और फिर आस पास इर्द गिर्द वाले अपनी बातों की कमेटियाँ तो डालते ही रहते हैं तो हमने सोचा कि जहाँ पर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे पाँचपन पे या इन फर्टिलिटी उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या कोपिंग मेकनीज़म्स हैं वो क्या चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर डेवलप करें कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी किसी चीज़ से हम गुजर भी रहे हैं इलाज भी करा रहे हैं या नहीं इलाज हो पाता या जो भी बात निकलती है एट द एंड ऑफ द डे कम अज़ कम हम इस प्रोसेस के थ्रू बाँचपन के साथ साथ एक मेंटल पेशेंट भी ना बन जाएँ तो आइए मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से सबसे पहले मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त जिनके साथ मेरा बड़ा प्यारा साथ रहा प्राइवेट सेक्टर में और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अब वो मेरे पास यहाँ पर भी आना शुरू करें और गाइड करें हमारे उन व्यूअर्स को जो बहुत परेशान हैं खुद बांझपन की वजह से या अपने किसी रिलेटिव या जानने वाले की वजह से डॉक्टर साजिदा शाहनवाज इनको देख के आपने हल्का नहीं लेना शी इज़ एन इंटरनेशनल स्टार माशाल्लाह माशाल्लाह और, और इन्होंने हमारा सिर्फ पाकिस्तान में नाम नहीं रोशन किया अपना बल्कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया पाकिस्तान से बाहर भी आप रिप्रोडक्टिव सर्जन हैं आई एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में स्टेम सेल की ये पाइनियर हैं वर्ल्ड्स फादर ऑफ़ एंड्रोल के जानब से इनको आईवीएफ क्वीन ऑफ पाकिस्तान का टाइटल भी दिया गया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच मैं लगातार तुम्हें देख रही थी जहां जी और हाँ? मैं आपको देख रही थी हाँ, और मैं मैं बीच में साइमा सोच रही थी कि हम ना? भी हम भी पढ़े हैं राहुल मैं मैं देख रही थी मैंने कहा ये जो राज है ना मैं सबको बता दूं कि इतना स्लिम होने का जुगन का वो फूल मखाने है। वो फूल मखाने है। अच्छा ये मैं भी आपको बताऊंगी इसके पीछे क्या। अभी ब्रेक से पहले जैसे कि डॉक्टर साहब के कि फूल मखाने जो है वो खाने चाहिए तो एक जमाना था कि व्यूअर्स डेली फूल मखाने फ्राई करके मैं खाती थी लेकिन हाँ हा। आपका इस बात कहने का एक और भी रीज़न है हाँ हाँ। और वो आप शेयर करें कि आप बहुत ज़्यादा एडवोकेट करती हैं कि अपनी न्यूट्रिशनल हेल्थ को ठीक करना चाहिए बिल्कुल इंसान का स्टार्ट ही उसके अंदर से है उसकी बॉडी में जो आप खाते हो वही आपके सामने आता है बिल्कुल अच्छा इस पे भी we will talk about भी वी विल टॉक अबाउट का इसके साथ बड़ा ताल्लुक है हाँ। वही तो बात है और आज हर दूसरे बंदे का मसला है इनफर्टिलिटी ये है क्या इस पर बात करेंगे लेकिन सायमा नज़ीर हमारे साथ हैं हमारे शो का रेगुलर हिस्सा रहती हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं एजुकेशनिस्ट हैं पेरेंटिंग कोच हैं तो सायमा जी से हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी के जो लोग शिकार होते हैं या सोसाइटी के प्रेशर्स को फेस कर रहे होते हैं उनको हमें कैसे मोटिवेट करना चाहिए माहिर नफसियात से तो जरूर रजू करें लेकिन हर बंदे की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती या हर बंदे की फैमिली नहीं मानती उनको ले जाने के लिए तो खुद क्या कोपिंग स्किल्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं हमें गाइड करेंगे देखिए जब हम अलहमदुल्लह कहते हैं तो सबसे पहले तो माशा हम तीनों साहिब औलाद हैं अल्लाह का बड़ा करम है लेकिन मैं एक पीरियड से ज़रूर गुजरी थी जहाँ पे एक सवाल उठ रहा था कि विला आई बी एबल टू हैव मोर चिल्ड्रन हमजा हो गए उसके बाद फिर बच्चा और पैदा करने की तरफ सोचा मिस कैरेज हुई कभी कुछ होए कभी कुछ होए और मेरी एक दोस्त थी जिसके बच्चे नहीं होते थे उसका उसका हो ही नहीं पाया उसकी शादी को कोई तेरह साल हो गए थे और हर उसने ट्रीटमेंट डॉक्टर साहबा ट्राई कर ली उससे मुझे घूम के कहा कहती है तुम इतनी अपसेट हो रही हो तुम्हारा तो एक बच्चा है यू नो वट इट्स लाइक टू बी अ मदर तुम सोच सकते हो कि तेरह साल से कभी मिस कैरेज कभी हो कंसीव नहीं कर पा रही चार आई वी एफ की साइकिल्स फेल हो गई मेरी hmm. कि तुम एक सेकंड के लिए समझ सकते हो तो सोच सकते हो कि मैं किस चीज़ से गुजरती हूँ hmm. उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं रो रही हूँ कि मेरे और बच्चे नहीं हो रहे hmm. इसका तो एक भी बच्चा नहीं हो रहा और ये नहीं है कि फैमिली या किसी और चीज़ का प्रेशर था उसकी खुद बहुत ख्वाहिश थी माँ बनने की हुँ. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये इनफर्टिलिटी क्या है वॉट इज दिस इनफर्टिलिटी वो चीज़ है जो जिसको जिस तन लागे वो तन जाने यानी इसको हुँ. मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती ये वो फीलिंग्स हैं पहली तो बात है कि हम समझते हैं कि बांझपन एक ऐसा वर्ड है जो औरत के नाम पर नथी कर दिया जाएगा पहली तो बात ये है औरत ही सिर्फ बाँझ नहीं है बल्कि मर्द उससे ज़्यादा उस, उस कैटेगरी में आता है ये एक कपल की बीमारी है एक कपल के अंदर अगर आज मैंने आपको एक बिल्कुल ऐसी बात जो इससे पहले शायद मैंने किसी भी प्रोग्राम में डिस्कस नहीं की कि बाज़ा होता क्या है आपने देखा होगा कि एक कपल दस साल शादी रही मियाँ कहता रहा बीवी का मसला था बीवी ने कहा मियाँ का मसला था बच्चा नहीं हुआ उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ औरत की कहीं और शादी हुई उसका भी बच्चा हो गया उस मर्द का भी हो गया ये ऐसे कई वाक्यात हैं जिससे yes, ये वो बात है जो नई जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बाज दफ़ा एक कपल स्कोर खराब हो जाता है इनफर्टिलिटी में एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है कपल कैसे होता है कि अगर एक औरत है एक नॉर्मल खातून जो है उसका अंडा लाइव अंडा रहने की एग की एज जो है वो तकरीबन उसकी बनती है बारह से अट्ठारह घंटे अगर उस खातून की एक की वायबिलिटी ट्वेल्व आवर्स है जो कि नॉर्मल रेंज में तो आ रही है लेकिन लोएस्ट नॉर्मल रेंज में है और उसके हस्बैंड की स्पर्म मोटिलिटी ऐसी है कि वो बमुश्किल एटीन आवर्स में वहाँ पर पहुँचता है अब उसका एग तो ट्वेल्व में डेड हो गया ट्वेल्व आवर्स में एटीन आवर में अगर स्पर्म ही वहाँ पर नहीं पहुँचा तो वो कपल एक दूसरे के लिए मिस है।, है वो भी ठीक है वो भी ठीक लेकिन इनफर्टिलिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो कि एक कपल का अपना स्कोर है तो बज दफ़ा हमारे पास पेशेंट आते हैं वो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब हमें पंद्रह साल से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमें पता चला कि जी हम दोनों ठीक है अल्लाह की मर्ज़ी मैं कहती हूँ बेशक अल्लाह की रज़ा है लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हम उसको कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बिल्कुल जो चीज़ हम हमें नज़र नहीं आ रही जो जो साइंस तरक्की कर रही है तो अब जो नए पैरामीटर्स आए हैं उनमें हमने एक्चुअल हमारी चीज़ तो ये है कि हमने उस अनएक्सपलेंड तक पहुंचना है एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों नहीं हो रहा जब तक आपको सिरा नहीं मिलेगा आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते फिर क्या करते हैं फिर मैं उन कपल को बताती हूँ कि आप भी ठीक हो आप भी ठीक हो इंडिविजुअली अगर इस फीमेल के साथ एक ऐसा मेल होता जिसके सुपरसोनिक स्पर्म होते तो आप भी प्रेग्नेंट हो जाती अगर आपके साथ एक ऐसी फ़ीमेल होती जो आपके थोड़े बहुत उसका, उसका एक का टाइम ज़्यादा था तो आप भी करते अब हमने क्या करना है दिस इज़ द डिजीज ऐसी नहीं है जो एक बंदे के ऊपर लेबल किया जाए तो ये दोनों का एक मिक्सिंग स्टोरी है लेकिन डॉक्टर कि हमारे यहाँ बांझपन जैसे कि डॉक्टर साहबी खातून के साथ किया जाता है और बड़ी दफा ऐसे केसेस हुए हैं कि मसला बंदे में ही था ऐसे मसला भी नहीं कहना चाहिए इनफर्टिलिटी जो है वो मर्द के अंदर थी लेकिन सारी जिंदगी खातून को ही धुतकारता चले गए और बात यह कि अगर मर्द में इनफर्टिलिटी होती है तो पता नहीं क्यों लोग बड़े अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं लेकिन औरत में होती है तो हर किस्म का बुरा भला उसको कहा जाता तो है भाई मेडिकल कंडीशन है ऐसे लोग भी तो पैदा होते हैं ना जिनका फॉर एग्जांपल एक गुर्दा नहीं होता तो हम क्या करें उनका गला घोटते हैं ये मतलब देखे हर बंदे में कुछ कमी बेशी होती है बिल्कुल सही है ये बात है कि औरत में लेकिन सिर्फ सॉरी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि इसमें औरत खुद भी मैं चूंकि दिन में सत्तर अस्सी और, ऐसी औरतों को मिलती हूँ जो इनफर्टाइल हैं तो मैंने तो आपके पास कितने मैं कि उन खातन को जब मैं देखती हूँ तो यार मैं मैं ये कहती हूँ अच्छा घर वालों को बताया अच्छा एक तो आते ही उन्होंने रोना है अच्छा हस्बैंड का प्रॉब्लम है मैं कहती हूँ कोई बात नहीं रो क्यों रही हो जब तुम्हें पता चल गया इसका ट्रीटमेंट है नहीं डॉक्टर साहब मेरे घर वालों ने मुझे बड़ा टफ़ टाइम दिया हुआ है अच्छा मैं कहूँगी क्यों तुमने बताया नहीं जी मैंने पर्दा रखा मैं कहती हूँ यार ये कैसा पर्दा है कि तुम अपनी सास को भी नहीं बता रही खुद को टॉर्चर करा रही हो अच्छा हस्बैंड साथ मुस्कुरा रहा होता है सॉरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उन लोगों से कि मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ मैं जब उन्हें कहती हूँ कि आपने क्यों नहीं उनको बताने दिया अब अपने घर वालों को एटलीस्ट अपनी बीवी के बारे में बताने दो कि ये ठीक है मेरा प्रॉब्लम है कहता डॉक्टर साहब इसी ने कहा है मैं तो कह रहा था बता दें तो खातिन खुद से भी तो अपने आप को जो है वो बहुत आई एग्री ओके okay. okay. अब ये डॉक्टर yeah. की बात पे आप मुझे लगता है कि जो बिल्कुल सही बात है जैसे उन्होंने बताया ना ये म्यूचुअल कंसर्न है तो बायोलॉजिकली भी म्यूचुअल कंसर्न है और इमोशनली भी आई थिंक ये म्यूचुअल कंसर्न है बिकॉज जब आप एक रिश्ते में आ गए हैं तो आपके लॉसेज आपके प्रॉफिट्स आपकी खुशी आपके चैलेंजेस इकट्ठे हैं सो hmm. so, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी चैलेंज आप लाइफ में फेस करें तो उसको म्यूचुअली फेस करें लाइक like, एक्सेप्ट करें है ना hmm. और नेगेटिविटी से आपको बचना ही है चाहे वो आपके अंदर से आ रही है चाहे वो आपको एर्थ गेट से आ रही है। मुझे तो... इतना अफसोस होता है कि मतलब इस लड़की का की मिज निकल जाती हाँ। है मुझे पता है क्योंकि नव... अगर ये

तो अगर चैलेंज जितना बड़ा है अलग उसके लिए आपने उतना ही स्ट्रॉग मेकेानिज़म भी अपने लिए बनाना है तो नेगेटिविटी से बचिए लोगों को भी अपना सपोर्ट सिस्टम एक तो सबसे पहले उसको आप एक्सेप्ट कर लें आपके जैसे लोग मौजूद हैं तो अवेयर रहें सही जगह पर जाएं अपने इलाज के लिए वो तो मस्ट hmm. है hmm. इलाज ज़रूर करें करवाएँ एक्सपर्ट्स के पास जाएँ सोचें कि मुझे मेडिकल सपोर्ट चाहिए तो मेडिकल के लिए ही जाना चाहिए ना कि आप इधर उधर के यू नो खाला ने कह दिया उधर जाओ बाबा जी के जाओ ये जाओ इस तरह की चीज़ें ना करें और फिर अपने अंदर भी एक नेगेटिविटी को कोप करने का मेकैनिज़म ये होना चाहिए कि उम्मीद मुझे ये पता है कि कुरान अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और बहुत अनकरीब मैं तुम्हें बहुत अच्छी खबर दूँगा तो अल्लाह ताला ने हमें छोड़ा नहीं है और और मैं आपको बताऊं मैं सिर्फ मुसलमान होने के लिए बात नहीं कर रही होप इज़ अ थिंग जो हर रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी इतने इतने बड़े पेशेंट्स हैं मतलब कैंसर सर्वाइवर्स हैं और क्या कुछ नहीं है सिर्फ अगर आपके अंदर वो होप है तो आप उसको कोप कर सकते हैं और यू you नो know, अच्छा अडॉप्ट करें तरीका मेडिकल हेल्थ के लिए मेडिकल कंसल्टेंट के पास जाएं डॉक्टर के पास जाएं नेगेटिव लोगों से अपना ज़रा दूर यहाँ पे नेगेटिविटी एक दफा एक, एक, प्रीवियस इंटरव्यू में आपने मुझे घूम के कहा था कि अगर होपलेस होकर आएंगे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ कुछ इस पर मैं, मैं तो अंदर की चीज है तो साइंस का उससे क्या ताल्लुक है साइंस जो है ना ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है जुगन कि जो मैं लोगों को मेरा दिल चाहता है कि मैं हर बंदे को ये समझाऊ कि जब आपकी बॉडी इवन इवन साइंस कहती है कि और आपका आपका जो आप सोच रहे हो ना उसका और आपके इर्द गिर्द काफी किलोमीटर तक रहता है इवन आप पॉजिटिव आप हदीस भी देख लें कि खुशबू वाले के पास पॉजिटिव लोगों के पास बैठो और जो है जैसे खुशबू अपना सफर करती है ऐसे जब आप पॉजिटिव होते हो इवन आप पॉजिटिव लोगों के पास बैठते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी साइंस कहती है कि वो और आपके इर्द गिर्द आता है अगर आप उसमें एंटर होते हो उस और में तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है अब बात ये आ गई कि अगर आप नेगेटिव हैं आपने एक्सेप्ट ही नहीं करना आपने आके पहले कहना है अच्छा डॉक्टर साहब ये स्टेम सेल मैं तो फला जगह भी गया था मुझे तो उन्होंने बताया स्टेम सेल का तो ट्रीटमेंट ही नहीं है अगर आप स्टेम सेल के ट्रीटमेंट को या फ़र्ज़ करें अगर आप दिल से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो साइंस में आपकी बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन एक ऐसा पैदा होता है जिसको आसान जबान में कहें कि आपने बहुत फ़र्श को बड़ा साफ किया और उसके ऊपर बाद में आपने तेजाब गिरा दिया आपने एक ऐसा पॉलिश करने वाला यानी मैं जो ट्रीटमेंट कर रही हूँ मैंने वहाँ पे एक पॉलिश सर्विस बनाई सरफेस ऐसी बना दी कि वहाँ पे पॉलिश हो जाए ताकि मैं अपनी जो एक एम्बरीओ तैयार कर रही हूँ वो अंदर रख दूँ एक औरत अपना वूम तैयार कर रही है मैं उसका आईवीएफ कर रही हूँ अगर वो नेगेटिव है तो उसके अंदर ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा कि जो मैंने मेहनत की है तो वो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो, वो तो प्रेगनेंसी नहीं टिकने वो नहीं टिकने वो आपका आपका क्रोसिव एक्शन होगा जिससे वो सारी किसी जगह खाई जाएगी और उसके बर्न जगह के ऊपर आप चाहे जितने मर्जी एम्ब्रियो रख दें लैब आप जितनी मर्जी अच्छी रखें अगर औरत का

फिर ट्राई करोगे वो अगला बंदा करना भी चाह रहा होता तो सोचते रहन दो इतने तो कहानी कुछ और है। नहीं नहीं वो कह, आ, साथ ये भी कहते हैं नहीं हुई तू अल्लाह के ख़िलाफ़ गई ना ठीक है हो और कर पंगे मैं मैंने मैंने लोगों को देखा है मुझे पेशेंट्स पढ़े लिखे आके बताते हैं डॉक्टर साहब मैं तो ये तो अल्लाह ने नहीं देना था तो मैंने क्यों ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ये हुआ मैं कहती हूँ क्या अल्लाह ने नहीं हुक्म दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि आप हीला करें आप वसीला करें आप शरा के मुताबिक अपना इलाज कराएं ठीक है इसमें आप अल्लाह के खिलाफ कैसे जब हमारा ईमान है कि देना ही अल्लाह ने है हम सिर्फ फेसिलिटेट और डॉक्टर साहब आपने बहुत से ऐसे केसेस भी देखे होंगे जहाँ पे हर चीज परफेक्ट है फिर भी नहीं हो रहा और हर और उसका इलाज भी करने की कोशिश की और आपने ऐसे केसेस भी देखे होंगे जिसको जैसे कि आपका वो जो स्टेम सेल वाला पहला जो बेबी था जी पूरी दुनिया ने कहा नहीं हो सकता पाकिस्तान में नहीं हो सकता यहाँ फैसिलिटीज नहीं है आपने किया ना और कितने अब तो माशा बच्चे से सुन के आते हैं बात यह नहीं है, बात ये है कि जब आप, को में आप चले जाते हैं इन्होंने कहा है की जब आप एक विशेष सर्कल में जाते हैं तो उसका तरीका ये है की जो लोग इसमें पॉजिटिव हुए हैं आप उनसे बात करें उनकी कहानी सुने कि क्या वो पहली दफा हुए उनकी कहानी सुने इससे मोटिवेशन मिलती है एक्चुअली बिल्कुल सही कह रही है इससे भी मिलती है और आई थिंक एज ए सोसाइटी हमने yeah. ये देखना है कि जब भी किसी इंसान के ऊपर एक चैलेंज है किसी के अंदर कोई भी कमी है तो वो सिर्फ उनका चैलेंज नहीं है आई थिंक उनका चैलेंज है जो उनके साथ भी मौजूद है तो हमें ना मुआरे में स्पेस देनी है लोगों को अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे ही माशरे से बिलोंग करते हैं जहाँ लोगों को आदत है ये जानने की कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है तो फिर आप खुद इतने सेंसिबल हो जाए कि कैसे आपने लेकिन कुछ लोग जो है वो मतलब इतनी प्रोसेस से गुस्से से गुजर चुके होते हैं की डॉक्टर कहते हैं जी अभी भी होप है लेकिन वो खुद नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी बस हो गई होती है क्योंकि देखे बच्चा पैदा करने की काविश में

कॉन्सेप्ट है ना वो नेक्स्ट जनरेशन का बहुत ज़्यादा दे दिया गया हमें लगता है कि हमने घोड़े ना पाले हमने जायदादें ना बनाई फिर बेटे ना पैदा किए तो हमारी जिंदगी कोई नहीं है हमने प्रेजेंट को तो कभी एड्रेस ही नहीं करना ना जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं जाके देखें असल मुसलमान तो वही है जो अपने हाल को एड्रेस करता है हाल को एड्रेस करना कि जो अल्लाह ने आपको दिया उसका शुक्र अदा करें एक ने मेरा सगा भाई है जुगन वो उसका बच्चा नहीं है दस साल हो गए हैं मैंने उसको इतनी दफ़ा कहा है कि एक आईवीएफ मुझे करने दो वो मुझे कहता है बाजी बात ये है कि अल्लाह ने इतने सौ नमते दी हैं है। मुझे पता है कि मेरी बीवी जो है उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो आईवीएफ की इंडक्शन लेगी तो उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसने कहा हम तो खुद बच्चे हैं हम तो ऐसे इन्जॉय करते हैं जैसे हम खुद बच्चे हैं अगर जब भी नहीं करवाता वो मैं ऐसी कॉम्प्लिकेशन में इसको नहीं डालूंगा हाँ ऐसी है जब भी आप उसी चीज की तरफ फोकस रखेंगे जो नहीं है तो नेगेटिविटी तो रहेगी और आप उन चीजों को देखें कि अल्लाह ने आपको मुयसर क्या किया हुआ है यू नो क्या क्या चीजें आपके पास हैं उनका शुक्र अदा करें और जिंदगी में ना कोई मकसद होना बहुत जरूरी है जो कि वो कुछ भी हो जिंदगी में है। मकसद ही है कि बच्चे पैदा करने, बहुत करने है और बाय द वे एक दो नहीं करने कम से कम 10 15 करने हैं ताकि आप जिस तरह जेंडर सिलेक्शन के लिए लोग आते हैं ख़वातीन तो, जब आके आते ही सबसे पहले रोती हैं अच्छा मैं कहूँगी मुझे अब तो आई एम सॉरी मुझे तो आंसुओं से ना अब थोड़ी एलर्जी होना शुरू होगी तौर तो पे वो उन ख़वातीन की जो इस बात पे रोती हैं कि बेटियां हैं डॉक्टर साहब मेरी तो ना बस बेटियां हैं बेटा नहीं मुझे लगता है कि मुझे ना नीचे से किसी ने और ऐसे लगाया इसलिए क्योंकि हाँ। अब माशाल्लाह आपकी अपनी तीन मेरी माशाल्लाह तीन बेटियां एंड द पॉइंट इज व्यूअर्स वही तो बात है कि मतलब बीइंग एन आईवीएफ एक्सपर्ट उन्होंने कभी इस तरह का पंगा करने की कोशिश नहीं की कि भाई मुझे मुझे मेल चाइल्ड ही चाहिए है। है। तो बात यह कि as a doctor she understands the value and significance औलाद औलाद है अलाद अलाद और, आज... और अगर कुछ केसेस में ट्रांसजेंडर भी हो तो वो अल्लाह ताला की मर्जी से अगर आपको एक चीज अल्लाह ने तोहफा पूरा इंसान है ट्रांसजेंडर है तो क्या हुआ बस एक बात है ना प्रोक्रिएट नहीं कर सकता अगर आप ट्रांसजेंडर नहीं भी है तो फिर भी आप नहीं कर सकते मेरे पास कितने लोग हैं

जिस हाल में अल्लाह रखे अब यहाँ से आप फेस करें अपनी रियलिटी को मगर यहाँ से क्या बेहतर हो सकता है कभी कभी जो खुशी आपको दूसरों को पहुंचा के मिलती है वो खुद को लेकर भी नहीं मिल सकती लोगों की खुशी का ख्याल करें उनका एहसास करें गरीबों की मदद करें मतलब इर्द गिर्द लोगों को ढूंढें पढ़ाई कैन बी सो मैनी के दूसरों को खुशी देकर उसमें अपनी खुशी ढूंढें अच्छा, और साथ ही साथ उम्मीद रखें एक इं, इंपॉर्टेंट बात आई है कि जो लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हैं जिन खीन में या मेल में हॉस्टिलिटी मर्द में स्पर्म की मोटिलिटी का इशू आ चुका है और आजकल तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इवन मोटिलिटी कह रहे कोविड डेड स्पर्म और इसके अलावा जीरो स्पर्म आप यकीन करें कि अगर हम लोग जिस तरह जो रेशो चल रही है ये मेरी बात है जो मैं बात कर रही हूँ ये मेरे साथ बेशुमार बेशुमारंसल्टेंट हैं जो इसके साथ मेरे साथ बैठ के इस बात को कर सकते हैं कि अगर यही रेशो रही तो अगले दस साल में हाईली फर्टाइल मैन पाकिस्तान में बहुत नायाब हो जाएंगे अच्छा यहां जो सूरत हाल है यहां, लोगों को पता ही नहीं की अच्छा, वायरल इन्फेक्शन हमें क्या प्रॉब्लम नहीं, नहीं, अब यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे ब्रेक से जब वापस आएंगे इनफर्टिलिटी के क्या क्या इलाज अवेलेबल है डिटेल में मैडम आपको किसी और टाइम बुला के एक एक पे It's हम बात बिल्कुण करेंगे बिल्कुण। क्योंकि देखिए स्टेम सेल एक अपनी बिल्कुल एक मुख्तलिफ गुफगु है आईवीएफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ, आई यू आई बिल्कुल मुख्तलिफ है बट मैं आपसे एक दफ़ा हमारे व्यूअर्स के लिए परेशान बैठे हैं हम ये प्रोग्राम इसलिए नहीं कर रहे कि आपको कहें कि अगर आपका बच्चा नहीं होता तो इट्स ओके हम ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होता इट्स ओके लेकिन इलाज के बहुत से ऑप्शन हैं और वो ऑप्शन क्योंकि हर बंदा सिर्फ आई वी एफ सोचता है आई वी एफ से हट के बहुत कम इन्वेसिव एंड उससे भी कई गुना ज्यादा एन बहुत yes. से बहुत प्रोसीजर्स हैं yeah. वो हम टचअपॉन करेंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स डॉक्टर साजिता शाहनवाज हमारे साथ हैं रिप्रोडक्टिव सर्जन आईवीएफ एक्सपर्ट एंड पाकिस्तान में स्टेम सेल की पाइनियर उनके साथ हमें ज्वाइन किया है साइमन नज़ीर ने मोटिवेशनल स्पीकर हैं एजुकेशनस्ट हैं और पेरेंटिंग कोच है डॉक्टर साहिबा इनफर्टिलिटी या बांझपन के लिए इलाज के क्या ऑप्शन हैं और उसमें कामयाबी का रेट कितना होता है क्योंकि अक्सर लोग जब आई कराने चाहते हैं तो उनको लगता है कि बस हम ये कराएंगे yeah. सौ फीसद हमारा बच्चा हो जाएगा और जब नहीं होता तो फिर रोने पिटने हिस्टीरिया ऑबियसली क्योंकि खर्चा भी एक सर्टेन अमाउंट का बहुत, तो होता बहुत, ही है बड़ी बात है। जी मैडम तो अच्छा जुगन सबसे पहले यह है कि इट इज अ टेलर मेड अप्रोच टेलर मेड यह है कि जैसे एक दर्जी आपका नाप लेता है साइज लेता है फिर ड्रेस बनाता है ये टेलर मेड दर्जी की अप्रोच है डॉक्टर खुद देखेगा कि मेरी मैं क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहा हूँ हमें आके बाद दफ़ा लोग आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आईवीएफ ही करवाना है ठीक है मैंने तो ये करवाना है डिक्टेट करते हैं वो गलत है पहली बात है टेलर मेरेट अप्रोच कैसे हो सकती है मुझे लेट मी नो वाट इज द रीज़न बिहाइंड रीज़न को जानने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके अगर पैसे लगते हैं टेस्ट करवाने में डोंट हेजिटेट क्योंकि आपके जो बेतहाशा फेलियर का बाद में आपको सामना करना है वो बेहतर है कि आप पहले अगर डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइस कर रहा है तो आप करवा लें पहली तो पहला मैसेज तो ये है दूसरी बात यह है कि आगे क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं इनको हम सारी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं नेचुरल से हट के जब हम जाते हैं तो इनको कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं तीन टाइप के आई यू आई हैं फिर आई वी एफ हैं उसमें भी आई वी एफ में भी दो टाइप हैं हमारी आई वी एफ की भी फिर आई वी एफ के बाद स्टेम सेल्स हैं स्टेम सेल भी अगर नहीं आपका कामयाब होता तो फिर क्या ऑप्शन है इसके ऊपर आजकल हम न्यूक्लियर सेल ट्रांसफ़र के ऊपर अमेरिका की कलेब्रेशन से काम कर रहे हैं क्योंकि जो लोग जिनका टेस्टिस ही मौजूद नहीं है स्टेम सेल भी कामयाब नहीं होता ज़ीरो स्पम में उन पर अभी काम हो रहा है जब ये रिसर्च कामयाब होगी तो इन शाह ये पाकिस्तान के हमारे इस बायोलॉजिकल सेंटर में ज़रूर आएगी उन लोगों की हेल्प के लिए अच्छा डॉक्टर साहब अगर थोड़ा सा हम टच अपॉन कर लें दो चीज़ों पे एक जो मर्दों में बाँचपन का आप अभी ब्रेक से पहले बात कर रही थी कि मर्दों में औरतों से कई गुना ज़्यादा कॉमन हो गया यस उसके रीजंस क्या हैं और फिर ख़ुत में बांझपन के सबसे बड़े रीजंस क्या है पीसीओएस सी एस एंड एंडोमीट्री एंडोमीट्रियोस ये ये दो तो बड़ा सुनने को ये मिलता दो लफ्स औरत के ऊपर इतना बड़ा बोझ है कि अगर शायद औरत को अल्लाह ताला ने एंडोमेट्रियोसिस ना करवाई होती ना तो मैं समझती औरत इस प्लानट की सबसे लकीस्ट पर्सन है एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसकी पहली आपको झलक मिलती है जब आपको पीरियड्स की पेन होती है हुँ. ये समझ लें कि उस पेन को मल्टीप्लाई कर लें जो नॉर्मल जिनको पेन घूम तो तो के कहते हैं ना बच्चियों को हाँ। ड्रामे क्यों कर रही हो हर औरत को पीरियड्स होते हैं तो खुदा का वास्ता इस चीज का मद्देनजर रखा करें कि हो सकता है कि वो बच्ची किसी मेडिकल में और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है लोगों में इवन मैंने कई खुतन को मरते हुए देखा है लोग क्योंकि एंडोमेट्रोसिस में फिर ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है पेन भी ज़्यादा होती है दफ़ा वो लड़कियाँ वो खातिन वो बेचारी अंदर उनके सेप्टिक हो जाती हैं क्योंकि उनका पीरियड्स जो है वो बैकवर्ड फ्लो पेट के अंदर पीरियड्स गिरते हैं उनका नेस्ट्रल ब्लड फ्लो वहाँ पर होता है इतनी तकलीफ दे बात है जिसको ये लोग कहेंगे तुम ड्रामे कर रही हो ये सब चीज़ें औरत को बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है पोलिसिकोवरी आज कल जितनी यंग जनरेशन है उसको आप ना फिफ्टी परसेंट को आराम से साइड पे कर दें पी में जा रही हैं नहीं गई तो जाने वाली हैं क्यों उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारी डाइट हमारी जो डाइट है हमारा लिविंग स्टाइल है ये स्टाइल हमारा बना हुआ है हमारा ह्यूमन वाला लिविंग स्टाइल नहीं है मैं पेशेंट्स को अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि तुम्हारे घर में मेहमान आएगा तो आप दरवाज़ा खोलो रात के दो बजे एक तो रात को दो बजे आया फिर आपने दरवाज़ा खोला तो पता चलेगा कि वो तो इंसानी रूप ही नहीं कोई एलियन है आप क्या करेंगे ज़ोर से दरवाज़ा मारेंगे या आपके हाथ में कोई प्रोटेक्टिव गन है उसको फायर करेंगे मार के उसको एक कब्रिस्तान में फेंक देंगे तो आपका ये जो फैट्स है ना बॉडी के ये आपकी कब्रिस्तान है बॉडी जिस फूड को रिकगनाइज़ नहीं करती उसको वो किल कर देती है आप जो खाना हम ये खा रहे हैं ना ये बर्गर्स हमारे ट्रांस फैट हमने अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को सिर्फ सिस फैट का सिस फैट क्या है या देसी घी में है या आपके मक्खन में है या आपके आ, इसके अंदर है ये ऑलिव ऑयल है या आपका कोकोनट ऑयल है इनमें जो नेचुरल सोर्सेज हैं इनमें सिस फ़ैट है अगर आप सिस फैट नहीं लेते आप ट्रांस फैट लेते हो ट्रांस फैट क्या है बॉडी के लिए एलियन है बॉडी ने उसको किल किया कब्रस्तान में फेंक दिया उस कब्रिस्तान में जब मुर्दे उसकी औकात से ज़्यादा होंगे डेड बॉडीज़ ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा तो वो आपके बाहर जो आपकी आबादी है उसमें आएंगे, आबादी में आएंगे तो वो नस्ल आगे नहीं जाएगी ये एक छोटी सी मिसाल है जो मैं यंगस्टर्स को देने की कोशिश करती हूँ कि खुदा के लिए वो खाओ दिल भी दो बजे खाने का तो वो खाओ जिसको बॉडी कर नहीं करती तो, तो है के कबर में उतार लेगो के पीसेस खाने शुरू कर देते हैं या ये कागज आप गोले बना बना के खाना शुरू कर देते हैं जो चीज आपके जिसम के लिए बनी ही नहीं है उसको ना अपने सिस्टम में डाले बिल्कुल अच्छा अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो सैमा रेज़ होती है वो ये है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में एक तो इनफर्टिलिटी अपनी जगह फिर इनफर्टिलिटी से की तरफ पहुँचने से पहले ही जैसे कि हमने दो बीमारियों की बात की इन पर तो बात ही नहीं होती इन पर तो बात ही नहीं होती क्योंकि पीरियड्स की जहाँ पे बात आ जाती है तो लोगों को पता नहीं कुछ होना शुरू हो जाता हाँ। है कि आए हाय वे की बातें ये कोई बात है। एक प्रोसेस जिससे हर औरत हर महीने गुज़रती है तीन से पाँच या सात दिन आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो एक एबनॉर्मल या कोई गंदी चीज़ है बिल्कुल नहीं है बायोलॉजिकली देखें ये बायोलॉजिकल एक सिस्टम है हमें एक्सेप्ट करना है और जो जहाँ ये ज़रूरी है कि आप एक दूसरी ज़िंदगी को तख्लीक़ में लेकर आ रहे हैं सबसे पहले जो जिंदगी आपको मिली हुई है आप उसको तो एक्सेप्ट करें yeah. उसका ख्याल रखना तो ज़रूरी है तो चाइल्ड हेल्थ एंड स्पेशली गर्ल चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर फोकस करें जैसे इन्होंने बताया कि जो आप खाएंगे जैसी आपकी अपनी हेल्थ होगी उसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कल को आप मदरहुड में कैसे जा सकते हैं तो आई थिंक बच्चों की सेहत पर बहुत फोकस करें और स्पेस दें हमें लगता है कि हमारा ही मसला सबसे बड़ा है जनरेशन के साथ साथ छोटी बच्चों के प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं उनको अंडरस्टैंड करें तो स्पेस दीजिए

तो मैडम इलाज की तरफ कौन जाएगा फिर? अच्छा इसी के साथ अब मैं दूसरी चीज़ की तरफ आना चाहती हूँ मर्दों में इनफर्टिलिटी की वजूहत क्या हैं जो आज कल सबसे ज़्यादा देखने में आ रहा है ना वो अगेन आपका लाइफ स्टाइल है लाइफ स्टाइल है और आपकी सेक्शुअल एजुकेशन का ना होना लोगों को पता ही नहीं है एक इंसान के अंदर नॉर्मल जबिलत है कि जब उसका एक टाइम आएगा तो उसको डिज़ायर होगी होगी उस डिज़ायर को लेकर जब बहुत लेट हो जाए आपने स्टेटस बनाना है जी पहले शादी तो कर ही नहीं सकते उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो मेल ऐसे प्रोसेस से गुजरते हैं कि वो उनका ये समझ लें कि आटो डिके सिस्टम उनकी बॉडी का शुरू हो जाता है ठीक है और वो सिस्टम जब उनको डैमेज करता है मैंने कितने पेशेंट ज़ीरो स्पम वाले देखे हैं जिनको औरकाइटस था औरटस का मतलब है कि उनके टेस्टीज की इन्फेक्शन हो गई और गनोरिया इतना कॉमन है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है इस पर हमें कहा जाता है कि वो आपने ये लफ्स बोला ये तो बोलना ही नहीं लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है भाई इतनी ज़्यादा एस टी डीज एग्जिस्ट करती हैं और प्रॉब्लम ये है कि हम उनको ही नहीं करते का पता ही नहीं चल रहा विद इन मैरिज बीवी के बीच में ट्रांसमिट हो रही है एक दूसरे को और क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं करवाई और ना ही उसको चेक करा देखिए व्यूअर्स क्या कैसे हुआ वो एक सेकेंडरी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि जब इंसान डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उस मसले का इलाज करना है और तशहस करनी है लेकिन प्रायोरिटी ये नहीं होती कि कहाँ से लगा कैसे हुआ क्या हुआ मैम मंप्स में आ जाते हैं एक तो मैंने आपको बताया ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी दूसरी आ गई वायरल वायरल तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना बैक्टीरियल तो आप कर सकते हैं आपके पास सदे बाब है आप बच सकते हो आप हुँ। रोक सकते आप हो वायरल इन्फेक्शन अगर आपकी होगी इतने बच्चे हैं मम्स हो गए तो लोग कहते हैं जी हमने फला जगह इवन इवन डॉक्टर्स हमारे जो हैं उनको नहीं जो जनरल फिजिशियन बैठे हैं वो कभी नहीं सोचेंगे कि इस बच्चे को मम्स में हम टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन कर लें कि इस बच्चे को औरकाइटस तो नहीं हो रहा अगर हो रहा है तो फौरी तौर तो पर उसको रोका जाए वरना यही बच्चा बाद में ज़ीरो स्पॉम के साथ कल को प्रेजेंट करेगा इवन आपके कोविड के ज़माने में इतने लोग हैं जिनको वायरल इन्फेक्शन ने औरकाइटस किया सिंपल है अगर आपको कोई वायरल आपको कोई डेंगू हो रहा है कुछ हो रहा है वायरस वो चीज़ है जुगन जो, जो किसी भी जगह कर देती है किसी भी ऑर्गन में जा सकती है अपने ऑर्गन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेल अपना चेक करे फीमेल को चेक करना मुश्किल है क्योंकि हमारा ऑर्गन जो है वो पेट के अंदर है मेल का ऑर्गन पेट से बाहर है अगर उनको टेंडरनेस और हो रही है ओपन एक्सपोजर है ओपन अगर उनको पेन है कपड़े चेंज करते हुए पेन हो रही है उनको टेंडरनेस है उनको वहां पे रेडनेस हो रही है स्वेलिंग हो गई है या वहां उन्हें टेम्परेचर पता चल रहा है कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर तो ठंडा है लेकिन टेस्टिस में बहुत हॉट है तो ये आपकी निशानियां फौरी तौर तो पर डॉक्टर के पास इससे पहले कि आप जीरो जाए स्पेशली आठ साल से कम उम्र के सात आठ साल के बच्चे और उससे छोटी उम्र के नहीं बताते उनको समझ नहीं आ रही होती उनको बस जनरली तकलीफ हो रही होती है मुझे पता है मेरा छोटा हमजा हसन जो है छह साल का है पेट में दर्द हो रही होती है अपने बाजू को पकड़ लेता है कहता है मामा आई एम हर्टिंग द पॉइंट इज उसमें माँ बाप का फर्स्ट लेवल पे तशीस करके उसको प्रॉपर डॉक्टर पे लेके जाना एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि देखे डॉक्टर के पास आप गला खराब के लिए लेके जाएंगे वो गले पे ही तवज्जो देगा

जब वो बड़ा हो जाएगा तो उस वक्त उसको नीचे लाने का कोई फ़ायदा नहीं है वो बचपन में ही लाने लाने हैं एंड कम्युनिकेशन जो कि ना सिर्फ ख़ुद अवेयर हूँ मगर अपने जैसे मेरा भी बेटा है तो आप अपने बच्चों से बात करें कि वट इज़ नॉर्मल और अगर कोई भी चीज़ नहीं नॉर्मल लग रही तो उसके ऊपर कम्फर्टेबली बात करें कोई मदर या फादर में से कोई एक तो ऐसा होना चाहिए ना कि बच्चा आकर पूरे तरीके से अच्छे उनको यू नो एक्सप्लेन कर सके कि क्या प्रॉब्लम है इसको बिल्कुल एक हर्ष हर्ष टॉपिक मत बनाएं जैसे कि हम अभी बच्चियों के लिए भी बात कर रहे थे तो कम्युनिकेशन द की आपके बच्चे और स्कूल्स में भी आई थिंक कुछ ना कुछ स्कूल बहुत, इस में इस तरह की कोई बात होने वाली होती थी तो माँ बाप से परमिशन लेनी पड़ती थी अगर हम बाईस पच्चीस तीस को लड़कियाँ थी उस वक्त क्लास के अंदर तो तीस में से हम कोई आठ या दस बैठी हुई थी क्लास में बाकी बीस को परमिशन ही नहीं मिली कि बैठ के आपको हम अवेयरनेस और कितना टीचरों ने क्या बात हमसे कर लेनी थी हमें एक बताना ही था ना कि गुड टच बैड टच ये, ये वो और हम लोग टीन्स में थे कि भाई क्या होता है रिप्रोडक्शन क्या होती है वो भाई जिन लड़कियों ने कल को जाके बच्चे पैदा करने उनको पता तो होना चाहिए कि उनके जिसम के कौन सी चीजों का क्या और, और टोटल ऑल गर्ल्स क्लास थी ये भी नहीं है कि लड़के भी थे अंदर के कोई ऐसी वैसी कोई कंसर्न था सो माई पॉइंट इज व्यूअर्स थोड़े से अपने दिमाग को हमें खोलना पड़ेगा देखे हम ये नहीं कह रहे कि फांसी फैलाएं बिल्कुल नहीं कह रहे फांसी फैलाएं लेकिन बीमारियों से तो बचाएं अपनी प्रोटेक्शन आनी चाहिए एटलीस्ट बच्चे को वो, पता वो है कि मैं अपने जिस्म का नहीं पता हाँ। तो आपके आगे किसी और बच्चे को कैसे पाल कल को सीरियस कंसीक्वेंसेस होने हैं जिन बातों के और आज सिर्फ आपने सिर्फ एजुकेशन से वो रुक सकते हैं तो हैं, क्यों ना करें उसमें बहुत जरूर और इसमें स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज और अगर स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में इशू होता है तो फिर कम से कम किसी जगह को ऐसी क्लासेस जरूर रखनी चाहिए जहां पे आप अवेयरनेस दें और फिर जिन्होंने अपने बच्चों को भेजना है कम से कम वो तो भेज सकें बाहर के ममालिक में स्कूल में मैंडेटरी होता है उन्होंने बताना ही बताना है आपको जिस तरह उन्होंने आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताना है और ऑफ किचन में भी नजर और आप लोगों का लेना है मोबाइल फोन और लैपटॉप का जो इस्तेमाल है ना मेल में और टेस्टिकुलर इस भी बहुत ज्यादा आ रहा है मैंने देखा है, हर वक्त आपकी इस पॉकेट में है आपका मोबाइल फोन आपकी इसकी रेडिएशन आपके टेस्टिस बिल्कुल पास है उसके पास जा रहा है लैपटॉप आपने गोद में रखा हुआ है और जो खास तौर तो मना करते हैं कि मोबाइल सर के साथ रख के ना सो आ, क्योंकि उसकी लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स जो हैं उनमें बहुत ज्यादा जीरो काउंट और डैमेज मॉर्फोलॉजी खराब उन लोगों में आ रही है यानी अगर आप बहुत लंबा सफर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि घंटे डेढ़ के बाद मेल के लिए उठना बहुत जरूरी है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर अल्लाह ने आपका ऑर्गन बाहर रखा है इसलिए रखा है कि उसका टेम्परेचर थर्टी चाहिए थर्टी में वरना अल्लाह अंदर रखता

यस हर चीज तैयार है वही वाली बात है ना भी कि अगर इस किस्म की स्नैक्स की तरफ भी जाना है तो कम से कम अपने घर में बने हुए अपनी निगरानी में बने हुए हेल्दी ऑप्शंस अपने बच्चों को दें ताकि वो भी हेल्दी लाइफ की तरफ आगे बढ़ें फाइनली योर मैसेज साइमा Uh, सबसे पहले तो यही कहूँगी जगन <coughs> कि ज़रूर औरत और मर्द दोनों को अल्लाह ने एक न्यू लाइफ तख्लीक़ करने की एक एबिलिटी दी हुई है मगर उससे पहले ये जाने कि आपकी अपनी ज़िंदगी भी अल्लाह की एक नेमत है तो उस पर ज़रूर फोकस करें चैलेंजेस कोई भी आ जाएँ ज़िंदगी में तो उनको कोप कैसे करना है ये आपने समझना है उम्मीद कभी नहीं छोड़नी और जान लें कि हर प्रॉब्लम हर मुश्किल के बाद आसानी है उसमें देर हो सकती है और कभी कभी हो भी सकता है कि जो एग्जैक्टली हम चाह रहे हैं वो हमें ना भी मिले और अगर ऐसा भी हो जाए तो ये समझ लें कि कुछ ना कुछ पर्पज़ ज़रूर अल्लाह ताली ने हमें देकर इस ज़िंदगी में भेजा है उस पर्पज़ को फाइंड आउट करें कनेक्शन बनाएं अपने साथ और अपने अल्लाह के साथ और आपको पता चलेगा कि मैं और भी बहुत से तरीक़ों से ज़िंदगी में खुश हो सकती हूँ कभी कभी वो खुशी डायरेक्टली ख़ुद कुछ पाकर मिलती है और कभी कभी वो खुशी दूसरों में बांटकर कर हासिल की जा सकती है तो उम्मीद कभी ना छोड़ें थैंक यू सो मच आई मैं डॉक्टर साहब फाइनल मेरा तो एक ही मैसेज है कि यार अगर ट्रीटमेंट कराना ही है आपको पता लग गया है कि आपके जीरो पम काउंट है तो खुदा के लिए उसको टाइम पे कराएं बजाय इसके कि आपकी वाइफ जो है वो बेचारी फोर्टी फाइव क्रॉस करके आ जाए मेरे पास तो इट इज़ बेटर कि आपको पता लग गया तो अपने जीवन साथी की उम्र निकलने से पहले पहले अपना आई वी एफ़ करवा लें वरना मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब हमने आई वी एफ तो कराना है स्टेम सेल तो कराना है वाइफ़ की उम्र होगी है पचास साल कोई बात नहीं मैं नई बीवी ले आऊँगा उस साथी की कदर करें जिसने आपके इस उज़र के साथ आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी आपको दी है ठीक है एक्जैक्टली थैंक यू सो मच ऑक्टर साहिबा यू वॉज़ अल्टीमेटली वही वाली बात जो हम बार बार कहते हैं कि जिस तरह बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा ये एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर मेल के एंड से आता है उसी तरह इनफर्टिलिटी बांझपन सिर्फ औरत में नहीं मर्द में भी होती है और जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया ज़्यादातर अब मर्दों में पाई जाती है औरतों के और औरतों के मसाल एक्चुअली टू अ लार्ज एक्सटेंट मैनेजेबल भी होते हैं मर्दों के कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे काउंट ही ज़ीरो होता है तो कहाँ से बच्चा पैदा होगा सो द फैक्ट इज़ राइट टाइम पे तश्ीस कराना एंड यू सीधी बात है यंगर ईयर्स में ज़्यादा आसान होता है किसी भी चीज़ का इलाज करना क्योंकि बॉडी ज़्यादा जो है वो अडेप्ट uh, कर जाती है जल्दी सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर खुदा न खास्ता बँझपन का इशू है नहीं समझ आ रही तो दस साल ना इंतज़ार करें एक दो तो साल अगर आपको महसूस होता है और सर्टनी अगर आप एक थर्टी थर्टी फाइव प्लस है तो वैसे ही साल के अंदर, अंदर अगर नहीं कंसीव कर पाते इमीजिएटली डॉक्टर के पास जाए लेकिन यंगर इज में जैसे आप अर्ली ट्वेंटी में हैं दो तीन दो साल हो गए उसके बाद आपको जाके चेक करा लेना चाहिए भाई चेक कराने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ना कि बीस साल गुजर जाए और बाद में दोनों का टाइम निकल जाए और फिर समझ ही ना आए कि क्या करें अल्लाह ताला सबको साहब औलाद करे जिस जिसको साहिब औलाद होने की ख्वाहिश है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं चाहते बच्चे करना और वो उनकी अपनी चॉइस है लेकिन अल्लाह ताला सबको को साहिब औलाद करे जिनकी ख्वाहिश है और अल्लाह ताला सबको अपने सबको अपने हिफ़ अमान में रखे आमीन अपना ख्याल रखिएगा ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी खुदा हाफिज़